अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग और मुस्कुराती सुबह विद सभी के साथ हम आपके पास रोज़ाना की तरह आज आ गए हैं। और आज है 9 जुलाई, और जिस तरह कभी कभी मैसेज देते हुए कुछ ऐसे एकदम मैसेज कुछ सोच के मैं कुछ और आई थी, और कोइंसिडेंट जब कुछ बातें शेयर होती हैं तो बंदे की फीलिंग्स भी चेंज हो जाती है। एज़ यूजुअल मैं हमेशा जब आती हूँ तो दुआ देती हूँ, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल करें, ख़ास तौर पे अपने वालदैन का। ये मेरा स्टार्ट में भी बात होती है और आखिर में जब मैं खुदा हाफिज़ कहती हूँ जब भी ये बात होती है। इन चीज़ों की कमी लगती है हमें, हम एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती चली गई है हम एक दूसरे को टाइम दे नहीं पा रहे, और फिर क्या होता है जब वो चीज़ें हमसे दूर हो जाती हैं तो हम उन्हें मिस करते हैं। अभी जैसे अभी आपने देखा हमारे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, बहुत सारे हमारे लेजेंड्स थे, वो लोग जो हैं वो लोग दुनिया से चले गए, हम लोग उनकी मूवीज़ देखते हैं, ड्रामेज देखते हैं, तो अब वो हमारे दरमियान नहीं है। और इसी तरह हमारे अपने भी होते हैं, हमारे माँ बाप से रिलेशन्स होते हैं, हमारे बहन भाइयों से, हमारा एक वक्त होता है और आखिरकार फिर हम एक दूसरे से आहिस्ता आहिस्ता जुदा हो जाते हैं, फिर हमारे पास सिर्फ यादें रह जाती हैं। आज मैं अपने बहुत अफसोस के साथ जो है मैं कहना चाहूँगी, हमारी बहुत ही सीनियर आर्टिस्ट थी ज़हीन ताहिरा साहिबा, आज वो दुनिया में नहीं रहीं, तो बस अब उनके हम ड्रामे देखेंगे, हम उनके लिए दुआ करेंगे, लेकिन उनकी कुछ यादें उनके फैमिली के साथ जुड़ी होंगी, उन आर्टिस्ट के साथ जिन आर्टिस्ट ने उनके साथ काम किया, तो वो आज उनकी बातें याद करेंगे, उनके अच्छे बिहेव या उनका कुछ भी ऐसी बात, तो ये सिर्फ यादें रह जाती हैं। तो कोशिश करें अपनी यादें अच्छी रखें। हम ऐसे एक दूसरे का दिल तो दुखा देते हैं, बाद में हमें बड़ी तकलीफ़ भी होती है जब वो हमारे दरमियान नहीं रहते। तो इसी तरह जब बात करती हूँ, क्योंकि जब फीलिंग आ जाती है ना, बिल्कुल इसी तरह देखा, गम हमेशा नहीं रहते, जिस तरह हम कहते हैं खुशियाँ हमेशा नहीं रहती, तो गम भी हमेशा नहीं रहते। फिर आहिस्ता 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 हमारे नई जगहें बन जाती हैं, हम दुनिया में मगन हो जाते हैं, क्योंकि अल्लाह पाक ने एक साइकिल बनाई है, जितनी हमें तकलीफ़ उतनी देता है जितनी हम बर्दाश्त कर लेते हैं। इसी तरह हम लोग जब लोग दुनिया से चले जाते हैं, हम थोड़ा ज़ाहिर बात है हमें उनकी यादें हैं, गम तो नहीं भुला सकते, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता हम इतने मगन हो जाते हैं, महव हो जाते हैं अपने कामों में, फिर हमारा वो गम का जो है ना वो जो एक बहुत ऊँची हाई लेवल पर होता है, फिर आहिस्ता 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 वो हम बिज़ी होने की वजह से भूल जाते हैं, क्योंकि खुदा ने ख़ुद एक ऐसा सिस्टम बनाया है, वो जो निज़ाम चलाता है ना वो बहुत बेहतर जानता है, हम नहीं जानते। यहाँ तक कि मैं उन माओं को जिनके लख्ते जिगर उनसे जुदा हो जाते हैं, वो माएँ जिनकी औलाद अचानक कोइंसिडेंट, आप लोग बाइक चलाते हैं, बाइक चलाते चलाते कुछ माओं के बच्चे जो हैं दुनिया से चले आते हैं। अब वक्त है लेकिन कुछ मिस्टेक्स भी होती हैं, हम लोग कहते हैं ना वक्त तो मुकर्रर है, लेकिन हमें मैसेज मिलता है कि हमें किस तरीके से एक दूसरे का ख्याल करना चाहिए। ये छोटा सा मैं कहने में ज़्यादा नहीं वो लेना चाहती, लोग आप हर्ट हो जाते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग एक दूसरे का बहुत ख्याल रखें, ख़ास तौर पर अपने वालदैन का, क्योंकि बहुत सारे ओल्ड होम जो हैं वो हमारे वालदैन ऐसे वालदैन जिनके बच्चे जो हैं उनको केयर नहीं करते, वो भरे पड़े हैं, ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप उनको नहीं संभाल पाते और बच्चे जो हैं वो कचरों में इधर उधर फेंक देते हैं, तो फिर वो बच्चे जो हैं ऐसी जगहों पर चले जाते हैं। तो प्लीज़ इंसान, हम लोग हैं अशरफुल मखलूकात और हमें एक दूसरे का बहुत ख्याल करना चाहिए, और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, और बाद में जब हम इस जगह पर पहुंचते हैं जब हम पर ख़ुद बीतती है तो बहुत तकलीफ़ होती है। और मैं उन वालदैन को भी, क्योंकि आज हमारे बहुत ही एक सीनियर जो हैं वो हर्बलिस्ट हैं, हेल्थ कंसल्टेंट मौजूद हैं, रूहानी इलाज भी करते हैं, हम उनसे पूछेंगे वो वालदैन जो बे औलादी की वजह से इतनी परेशान होते हैं, और वो औलाद और वो माँ बाप जो अपने औलाद होने के बावजूद भी अपने औलाद की मोहब्बतों से महरूम होते हैं, हम उनको भी डिस्कस करेंगे। हेल्थ की तो डिस्कशन होती है, ज़रूर होगी, क्योंकि हम आपकी हेल्थ के बारे में ज़रूर डिस्कस करेंगे, लेकिन ये ऐसी बहुत ही सेंसिटिव एहसास और हसास के रिश्ते हैं जिनको हम बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। अच्छा जी, बात करेंगे आपकी हेल्थ की, बस ये मैसेज है एक दूसरे का ख्याल करें, जो दुनिया से जब चले जाते हैं ना तो आप उनका खला कभी भी पुर नहीं कर सकते, वो स्पेस हमेशा खाली रहती है। बड़े बड़े लेजेंड हैं, अमजद साबरी है, बहुत सारे बड़े बड़े, उन जैसा कोई भी नहीं हो सकता। इसी तरह हमारी फैमिली में जो लोग दुनिया से चले जाते हैं उन जैसा कोई नहीं हो सकता। बस एक दूसरे का ख्याल करें, प्यार करें, मोहब्बत करें, एक दूसरे को तकलीफ़ ना दें। जी हाँ, तकलीफ़ से याद आया मुझे, आज हमारे दरमियान
जो है वो बहुत ही नाइस पर्सन है। जब गुफ्तगू हो रही थी तो उनके चेहरे पर भी एक अलग सा एक नूर सा था, पुरनूर जैसे चेहरे होते हैं ना, कुछ लोग अट्रैक्टिव से होते हैं, तो उनकी गुफ्तगू का अंदाज़ भी बड़ा प्यारा था। तो उन्होंने जब बात की कि कुछ लोग ऐसे ऐसे परेशान होते हैं, मैं ना सिर्फ जो है हम हर्बल का भी ट्रीटमेंट करते हैं बल्कि कुछ लोगों को रूहानी तरीके से भी, जो कि कलाम इलाही जो है ना वो तो कुरान का तो इल्म ऐसा है जो तमाम चीज़ों का जो है ना मसले का हल कर निकाल देता है, ठीक है। लेकिन अल्लाह पाक ने हर एक पर्सन का कुछ ना कुछ वसीला बनाया। तो हमें कुछ जब हम इंजर्ड हो जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, तो ऑफ कोर्स अल्लाह पाक से तो एक वो होता है, लेकिन हम फौरन हॉस्पिटल जाते हैं, ट्रीटमेंट करवाते हैं। इसी तरह कुछ चीज़ें एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुई हैं, खुदा ने एक हमें निज़ाम इसीलिए ज़मीन पर उतारा है, हम एक दूसरे से कनेक्ट हैं, ठीक है। वसीला अल्लाह पाक बनाता है। तो इस वक्त हमारे दरमियान बहुत ही जो है नॉलेजेबल पर्सन मौजूद हैं, बाकी बातें हम उनसे करेंगे कि हेल्थ से रेलिवेंट इंसान रूहानियत में किस तरह अपने आप को ट्रीट कर सकता है। हाजी दीन मोहम्मद, ही इज़ अ हर्बलिस्ट और इस्लामिक स्कॉलर। अस्सलाम वालेकुम सर, आइए प्लीज तशरीफ लो। रूहानी स्कॉलर एक के बाद इस्लामिक, प्लीज प्लीज अब बैठिए। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कैसे हैं आप? ठीक। बस जरा सा, कुछ लोग जो दुनिया से चले जाते हैं वो याद आ जाते हैं, तो एक अजीब सी जो है ना वो फीलिंग हो जाती है, ऐसा है कि नहीं? ये इंसान की फितरत है, ये एहसास है जी। एहसास ये है कि जो हम अपनी ज़िंदगी में जो वक्त जिसके साथ गुजार चुके होते हैं, वालदैन हैं या वालदैन अपनी औलाद के साथ गुजार चुके होते हैं या आम किसी के साथ गुजार चुके होते हैं, जब वो उससे बिछड़ जाते हैं तो वो एक कर्व बाकी रह जाता है, वो नहीं ख़त्म होता, खला नहीं बाकी, ठीक है ना। बेहतरीन हाल यही होता है कि जो हमारे साथ जा चुके हैं, हमारे वालदैन हैं, कोई भी है, उसको हम बेहतरीन तहाज पेश करें। सुभान अल्लाह, बहुत प्यारी बात कही आपने। और बेहतरीन तोहफा ये है कि आप हर नमाज के बाद एक दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह, तीन दफ़ा सूरह इखलास पढ़ के सारी उम्मत मौसमा को बख्श दो, हर फर्द को फर्दन फर्दन एक कुरान पाक पहुँच जाएगा। सुभान अल्लाह, बड़ी बात है, बड़ी, ठीक है। ये हमारी तरफ से बेहतरीन तोहफा उन लोगों के लिए है जो हम में नहीं है लेकिन मौजूद हैं, हम में नहीं है, हमें नज़र नहीं आ रहे लेकिन मौजूद हैं, हमारे एहसास में मौजूद हैं, हमारी सोच में मौजूद हैं, हमारे कामों में मौजूद हैं, उनकी यादें मौजूद हैं, हर चीज़ उनकी याद मौजूद होती है, ये मौजूद हैं, लेकिन फ़र्क कहता है हम उसे देख नहीं सकते, एहसास करते हैं। जब एहसास करते हैं वो एहसास इतना प्यारा होता है कि हम अपना सारा कर्म अपना दर्द भूल के उनके ख्यालों में खो जाते हैं और वो भी अगले जहाने में आबाद है। एक छोटी सी मिसाल दूं अगर दोस्त नहीं, 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 दे दें, आप कहने नहीं कहें, आपके लिए प्रोग्राम है भाई। अगला जहान भी वही शहर आबाद है जो शहर हमारा ये आबाद है, फ़र्क इतना ही है कि हम इस शहर से निकल के दूसरे शहर में दाखिल हो जाते हैं। ये शहर वो है जहाँ हम आवाज़ आते हैं, वो शहर खामोशा है, लेकिन वो शहर खामोशा उनके लिए नहीं, हमारे लिए और आपके लिए, क्योंकि हम सांस ले रहे होते हैं और वो अपनी ज़िंदगी में जी रहे होते हैं। क्योंकि जब हम कहते हैं, जब जाके कब्रिस्तान पहुँचते हैं, कहते हैं अस्सलामु अलैकुम या अहले कुबूर, तो सलाम जिंदा को कहते हैं, जिसको सरगर से वो जवाब ही देते हैं, ठीक है, बिल्कुल। तो इस चीज़ को हमें समझना भी ज़रूरी है कि देखें यहाँ हमारे पोश हमें नज़र नहीं आ रहे, लेकिन वो उनकी एक अपनी दुनिया है, दुनिया है। अच्छा, इसमें एक छोटी सी बात, इसीलिए तो कहते हैं कि मरने के बाद जो है पड़ोसी भी अच्छा होना चाहिए, इसीलिए वरना उधर पड़ोस का क्या काम, हम कहेंगे काम बड़ा काम है, बड़ा काम है। नहीं नहीं, अगर हम सोचें तो क्या पड़ोस क्या है, मरने के बाद क्या पड़ोस, लेकिन उसमें भी हमें एक मैसेज है कि मरने के बाद भी अल्लाह पाक पड़ोसी अच्छा दे, उसे तकलीफ। अगर मेरे पड़ोस में एक चोर डाकू आ जाए तो मेरे लिए तकलीफ है, मेरे पड़ोस में हंगामाई करने वाला आ जाए मेरे लिए तकलीफ है, मेरे पड़ोस में कोई नए शख्स आ जाए जिस मजहब से भी है वो मेरे लिए राहत है। यही हाल कब्रिस्तान का भी है कि वहाँ भी ये दुआ मांगते हैं, अल्लाह कब्र में हमारा नेक पड़ोसी देना, आमीन, बिल्कुल ठीक, नेक पड़ोसी देना। और उसके लिए क्यों मांगते हैं कि अगर खुदा ना खासा वहाँ भी गुनाहगार आ गया तो वहाँ उसकी जो तकलीफ पहुँचेगी तो सारे कब्रिस्तान वाले उससे मुतासर होंगे। हाय हाय, अच्छा आप हर्बलिस्ट भी हैं तो मुझे कुछ बताएं कि कौन से पेशेंट ज़्यादातर आजकल आ रहे हैं, जैसे होता है कि हार्ट प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती हैं क्योंकि आप रूहानी ट्रीटमेंट भी साथ में करते हैं और कुछ लोगों को हड्डियों का भी प्रॉब्लम्स हैं, डिफरेंट है, तो किस तरह के ज़्यादा क्लाइंट्स आपके पास आते हैं? देखिए मेरे पास हर किस्म का बंदा आता है, ठीक है। आपने बड़ी प्यारी बात की और अल्लाह करे कि इससे दुनिया को फैज़ पहुँचे, आमीन आमीन। मकसद कहने का, जो आपके प्रोग्राम का मकसद है, दुनिया को फैज़ देने का है, लोगों को फ़ायदा देने का। बिल्कुल, मेरे पास हार्ट पेशेंट आते हैं, खासतौर पर वो बच्चे जिनके दिल में एक दो सुराख होते हैं,
वो तीन महीने का, छह महीने का, सात का। अच्छा, कॉलर है आपके लिए, फिर इसके बारे में बताइएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, सर आप या तो फैन के आगे बैठे हुए हैं इसीलिए आवाज की डिस्टॉर्शन ज्यादा हो रही है, इसीलिए आपकी लाइन ड्रॉप कर दी गई है। दोबारा कॉल करके देख लीजिए जी। ज्यादातर हार्ट पेशेंट जिनके दिल में सुराख होता है बच्चों के, ओके, तो उनका अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब तीन इलाज है। और हमारे सैकड़ों प्रोग्राम से लोग आ चुके हैं कि जो डॉक्टरों से नाकाबिल इलाज, यानी जहाँ तक डॉक्टर पहुँचती वहाँ तो उन्होंने किया है, लेकिन जो उनके बस से बारे में बोला भी इस आगे हमारी हालत नहीं है, वो हमारे पास बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। अच्छा, लोगों को जिन्होंने हॉस्पिटल्स में उन्होंने बोल दिया आप ठीक नहीं हो सकते, वो आपके पास ठीक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह ये तो हो गए सुराख वाले, ठीक है। अब आते हैं दिन का दिल डैमेज हो चुका होता है, सिकुड़ चुका होता है, पट्टे सिकुड़ गए, उनका 25-30% काम कर रहा है या 20% काम कर रहा है, उनका भी इलाज हुआ तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह वो रिकवर होकर अपनी जगह आ गए। दिल में सुराख वो बता दिया है, चराने बंद हैं वो वगैरह प्रश्न खुल जाती हैं, वाल बंद हैं तो वगैरह प्रश्न खुल जाते हैं, जड़ी बूटियाँ वो कुरान पाक दो रास्ते हैं हमारे पास, एक तो ये हो गया। दूसरा वो बच्चे जो पैदाशी माजूर पैदा होते हैं जिसको बोलते हैं आर्टिस्टिक आत्मा मुड़े होते हैं, उनको कोई सेंस नहीं होता है, महीना 20 दिन 2 महीने बाद जाके वो पखाना करते हैं, लेकिन जिसने करते हैं पखाना वो यानी कि पूरा हफ्ता उस बच्चे का तकलीफ होता है, उसके बाद यानी इतनी तकलीफ से करते हैं क्योंकि एक समझो कि कोले निकल रहे होते हैं। माशाल्लाह कामयाब इलाज है, हाथ पांव भी टेढ़े सीधे जाते हैं और फिर वो माशाल्लाह बैठते भी हैं, फिर वो चलते भी हैं, अपनी ज़िंदगी में वापस आ जाते हैं। फिर आ जाते हैं हमारे पास आर्टिज्म बच्चे जो उनका दिमागी तौर पे बिल्कुल फारग होता, तो नहीं पता मैं कौन हूँ, कहाँ क्या कर रहा हूँ, बस चंद सेकंड में सब मेंटली पैरालाइज होते हैं, मेंटली तौर पे वो पूरे डिस्टर्ब हो चुके होते हैं उनको। अच्छा, दूसरे छोटे दिमाग के बच्चे आते हैं शॉर्ट ब्रेन के, उनको भी ये आलम होता है, या वो बच्चे बच्चियाँ आती हैं जो कॉलेज कॉलेज तो नहीं स्कूलों में जाती हैं, मदरसों में जाती हैं, जो जैसे जाती हैं ऐसे वापस आ जाती हैं, या बच्चे जाते हैं जो भी बच्चे बच्चे होती हैं वो जितना भी पढ़ते हैं आले बे तो घर आकर उनको नहीं पता मैंने क्या पढ़ा है। सही सही, वो घर में जो पढ़ा था स्कूल जाके मालूम नहीं क्या पढ़ा, तो उससे ये होता है घर वाले भी उस पर सख्ती करते हैं, स्कूल वाले भी सख्ती करते हैं, ये नहीं पढ़ते लेकिन बेसिकली उसकी प्रॉब्लम होती है दिमाग की। आज वही बच्चे हमारे पास आके ठीक होके वो पोजिशन ले रहे हैं, यानी कि आता कोई स्कूल कबूल नहीं कर रहा था, अब उससे पोजिशन का सुना तो दूसरे जिस स्कूल ने उसको देखे देखे निकाला था वो कहता जी हमारे पास तरीका है, हमें वो बड़ा अजीज है, बड़ा प्यारा है, लेकिन पहले प्यारा नहीं था जब वो नहीं पढ़ा, आज वो ठीक होने बाद वो हो गए। अब आते हैं सीपी चाइल्ड पे, सीपी चाइल्ड को आम फहमी कहते हैं कि ये जिंदा लाश है, उसे वजूद काम नहीं करता, बस वो सिर्फ फोन चलते हैं, दूध पी लेता है या माँ बाप खाना खिला देते हैं या कुछ चीज़ आत्माओं के भी कोई हिल गया हिल गया, अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब है अल्लाह, वो बच्चे भागे दौड़े ठीक हुए सारे माशाल्लाह ठीक होते हैं। ये आपको मुख्तलिफ चीज़ें हैं। फिर हेपेटाइटिस सी के जो मरीज जी जी हेपेटाइटिस सी के तो उसके तो उनका भी माशाल्लाह कामयाब है, जिस तरह ये कहना है दिमाग की तकलीफों का होता है और आंखों की तकलीफों का होता है, ऐसे सब चीज़ें सामने यानी मेडिकल रिपोर्ट। अच्छा, मेरे जहन में आ रहा है एक हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं अरशद, उनकी एक मुँह बोली बहन बनी हुई है, आपने जैसे कहा ना कि पैरालाइज हो जाते हैं, तो उनकी एक बहन बनी हुई है और वो एक बार हम लोग उन्होंने शादी, अच्छा एक कॉलर में बात कर लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कराची से कामरान। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी कामरान साहब, क्या पूछना चाहते हैं आजी दीन मोहम्मद साहब से? पूछना चाहता हूँ कि मेरा भांजा है उसको जो है ना चलते हुए चक्कर आते हैं और वो बात उसको समझ नहीं आती ना, कभी कहीं गिर जाता है कभी कहीं गिर जाता है। वो सऊदी अरब में है इस वक्त, सऊदी अरब में उनका इलाज भी हो रहा है लेकिन कोई नजर नहीं आ रहा कोई कामयाबी ना। चले ठीक है ठीक है, हम आपको जवाब देते हैं जी। ऐसे इनको उम्र पूछनी थी तो चले अभी नहीं, किसी को इलाज तो चाहिए ना जी जी, गिर ये मसला दिमाग का है। अच्छा, ये प्रॉब्लम या तो हड्डियों की कमजोरी होती है, मसल से होती है वो अपनी जगह, लेकिन ज़्यादातर दिमाग का मसला होता है। पहली बात तो ये कि उस बच्चे को एक चीज़ दे दें कि रात को सोते वक्त चाय का चमचा या खाने का चमचा शहद ले लें, अगर छोटी उम्र है चाय का चमचा ले लें, अगर बड़ी उम्र है तो खाने का चमचा शहद ले लें, ठीक है। दालचीनी पीसे रख लें, वो दो चुटकी दालचीनी उसमें मिला के उसको बच्चे को पिला के सुला दें, बच्चे को ठंडी खट्टी बादी चीज़ें टोटली बंद कर दें, ठीक है। अगर मेरे पास आ सकते हैं ला के मुझे दिखा दें और आके दवाई ले लें, इसमें इलाज कोई मर्ज ऐसा है जो फ़ौरन ठीक होता है महीने 2 महीने में,
लेकिन कुछ अमराज वो लंबा टाइम है, जिससे छोटे दिमाग के बच्चे हैं, वो आर्टिस्ट के बच्चे हैं, उसको 2 से 3 साल टाइम लग जाता है। लेकिन रिकवरी का पता चल जाता है ना कि थोड़ा थोड़ा उसका, हाँ इलाज हो जाता है, बिल्कुल ठीक होता है अल्हम्दुलिल्लाह। आपको ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे, आप जब लोगों से मिलोगे तो आपको वो कुछ मिलेगा जो आपने कभी सोचा भी ना हो। ठीक है। अच्छा, मैं वो बता रही थी कि वो लेडी जो है वो, उनको कोई बचपन में कोई पता नहीं दाना वगैरह पाँव में निकला, उस वक्त उस बच्चे की उम्र थी 7 साल। जो मैंने कहा ना प्रोड्यूसर साहब की जो मुंह बोली बहन का, वो बात वहीं से करूंगी। तो उन्होंने कहा कि उनको वो आज लड़की अच्छी खासी 22-23 साल की होगी, लेकिन पूरे बेड पे लेटी हुई है। उन्होंने कहीं ऑपरेशन किया उसको और उसकी कोई नस काट दी, जिसकी वजह से उसकी पूरी जो है ना बॉडी जो पैरालाइज है, लेकिन वो बोलती है, समझती है ईच एंड एवरीथिंग। अच्छा, आपने इसके बारे में बताना है। हम लेते हैं नाज़रीन छोटी सी ब्रेक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमारे बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने कहीं नहीं जाना। लेने छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह विद सभी के साथ। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह विद सभी के साथ। बहुत ही सेंसिटिव, बहुत हसास टॉपिक लेकर हाजी दीन मोहम्मद आज हमारे मॉर्निंग शो में आए हैं और मुझे बहुत अच्छा ये लगा है कि इस टॉपिक पे आज तक गुफ्तगू नहीं हुई। वेलकम अगेन आपको भी, और बहुत ज़बरदस्त किस्म की गुफ्तगू आप करी थी और वो मैं चाहती हूँ वो कंटिन्यू करें। जो आप बता रहे थे ना कि बच्चों जो है ना वो कैसे प्रॉब्लम में आ जाते हैं और फिर माँ बाप को कितनी तकलीफ होती है उनको देख कर। माँ बाप को तकलीफ नहीं होती है, अज़ियत होती है। आए, आए, आए। मैं छोटी सी, मैं आप बताऊँ, शायद सुनने वालों को मेरी बात से थोड़ी शायद तकलीफ पहुँचे कि बात तकलीफ दे है। नहीं नहीं, एक खातून मेरे पास बच्ची को लेके आई, तो वो बच्ची वो खाना ले के कहीं नहीं सोफे पीछे रख ले, सोफे पीछे जाके पेशाब कर ले, कहीं वो जाके पेशाब कर ले। बच्ची भी 9-10 साल की हो गई, अब वो क्या करे कि वो माँ बाप तो बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ वो एक दिन अपने भाई के पास गई। भाई के पास गई तो वो तो वाशरूम में गई, वापस आके देखा तो उसके भाई ने उसकी बच्ची को हाथ पीछे करके तो क्या नाम पेलेट से बांधा हुआ है। तो बोले क्या किया, तो बोला कि ये पूरे घर में तबाही फैला रही है, इसलिए इसको बांध के रखा हुआ। उसने खाना भी नहीं खाया, वो बच्ची को लेके अपने घर चली गई। मैं उसमें बच्ची को सूर नहीं है, ये बच्चे सब ठीक होते हैं। फिर बच्ची ठीक हुई माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हुई, हमारे टीवी पुणे में भी आई है। अच्छा, ठीक है, हाँ आई अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक हुई और अपनी ज़िंदगी में वो चल रही है। कहने का मकसद है कि मेरे पास किसी भी बीमारी को ले लें। वो लाहौर के पेशेंट का आप बता रहे थे? जी, लाहौर है मेरे पास, यहाँ कराची में इकराम साहब, उसकी मिसेज है लुबना, बहुत नेक बड़े प्यारे लोग हैं, लोगों को ज़िंदगी सलामती रखे। उससे मुझे फ़ोन किया, जी मेरा भाई जो है डॉक्टर ने, मतलब उन्होंने हमें जवाब अदा कर दिया और मुश्किल है, पेट में पानी भरा हुआ है, हेपेटाइटिस सी है, पूरा वजूद हल्दी की तरह, आँखें क्या वजूद हल्दी की तरह और पेट फूला हुआ है और कैंसर भी। अल्लाह, मैंने कहा बुला लें, शिफा आपने देनी है, मेरा कोई दावा नहीं, कतई नहीं है, दूर तक नहीं है, मेरी सिर्फ कोशिश है, लेकिन मेरा ईमान अल्लाह पे अटल है कि रब ने शिफा देनी है, रब शिफा देता है। वो मेरी लाज रखते हैं ना, उसका मुझ पर बहुत बड़ा कारण है। वो साजिद लुकमान साहब तशरीफ़ ले आए, कराची आए, वो आके 15-20 दिन तक यहाँ कराची में डेली आते थे दम कराने के लिए, भी दवाई लेके जाते थे। उसके बाद यहाँ से दवाई लेके गए, लाहौर चले गए जाके, मेरे खास उसने 1.5 महीने बाद जाके जो टेस्ट कराया तो उसका रिज़ल्ट 88% ठीक आया। ज़बरदस्त। कहने सर पैट मुझे नहीं, यहाँ थोड़ी गलतफहमी हो सकती है कि 47 इंच था या 42 इंच था। अच्छा। और उसका पैट जो है ना वो 28 या 30 इंच रह गया, वो सारा पानी ख़त्म हो गया, हल्दी ख़त्म हो गई, टेस्ट रिपोर्टें ठीक हो गई, अब जो आखिरी टेस्ट रिपोर्ट अभी आई है तो वो 95% ओके हो गई। कितनी दुआएं आपने ली होंगी। एक बात है, आप साजिद लुकमान साहब ने जो अपनी दास्तान मुझसे शेयर की वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। एक डॉक्टर साहब ने कहा जी 12 महीने का 2 साल का इलाज है, 5 लाख रुपये महीना में आपका खर्चा है। दूसरे ने कहा जी, मैं उनकी ज़बानी बता रहा हूँ जो मुझे साजिद लुकमान ने कहा, मैं वही लफ्ज़ आपको सुना रहा हूँ। उसने कहा मैं रियायत कर लूँगा और 4 लाख का महीना लूँगा। कोई एक किसी टीवी चैनल में कोई डॉक्टर भी है, हकीम भी है, वो तो उसने बोला जी मैं रियायत करके 3,28,000 रुपया महीने की दवाई दूंगा, तुम्हारा नसीब है कि 2 साल में, 1 साल में, 6 साल में तुम ठीक हो। इसकी भी कंफर्मेशन नहीं। नहीं, नहीं नहीं नहीं। फिर तो उसको मशवरा दिया कि आप लीवर ट्रांसप्लांट करा लो। अल्लाह अकबर। लेकिन इसकी भी दलील नहीं है कि तुम ठीक हो सकते हो या नहीं हो सकते हो, यानी सिर्फ आपको ये पैसे खर्च करने हैं। आज मुबशर लुकमान, साजिद लुकमान साहब जो हैं, उनका मेरे ख्याल से 20,000 की दवाई भी नहीं गई मुझसे और उसका 95% रिजल्ट ओके आ गया। वो आज वो साहब माशाल्लाह उनकी ज़िंदगी सलामती रखे और वो आज अपनी नौकरी पे जा रहे हैं। कितनी अच्छी बात है ना। उसके बॉस ने कहा कि मैं आपको हज के लिए भेज देता हूँ। मैंने कहा साजिद तुम अभी इसका काबिल नहीं हो, तुम्हारा वजूद टूटा हुआ है, रिकवर होने दो, आइंदा साल तुम हज पे चले जाना। लेकिन ठीक सेहतमंद, क्यों
हज मुशक्कत का नाम है, मेहनत का नाम है, आराम का नाम नहीं है। बिल्कुल वहाँ आपको भाग दौड़ करनी, मेहनत करनी, इबादत करनी है, उम्रे करने हैं, तवाफ करने हैं, सही करनी है। अच्छा हमारे दरमियान एक कॉलर दोबारा, आई थिंक कामरान, हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने पहले भी बात करना चाह रहा था कि या तो मुझे आपका कोई नंबर दे दें। हेलो जी जी, आप असल में मुझे लग रहा है या तो सऊदीया से कॉल करेंगे, इससे इतना शोर हो रहा है। हेलो, इनकी इनका मैसेज ले लीजिए प्लीज। ठीक है जी, वो एड्रेस फोन नंबर मांग रहे हैं। अच्छा 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 ठीक है, एड्रेस फोन नंबर मांग रहे हैं। अच्छा अच्छा, इनको दे, इनको अच्छा इनका नंबर लिख लें फिर मैं इनको दे देती हूँ। ठीक है, ये खुद कांटेक्ट कर लेंगे। जी जी, अब वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ। जी जी जी, आप एक इंसान हैं बिल्कुल, तुम्हारी जेब में अगर 10,000 रुपये भी नहीं है तो तुम 50 लाख का खर्चा कैसे करोगे? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है ना, फिर वो बंदा बेचारा वैसे ही आधा तो टूटा हुआ होता है। तो जो सवाल मैं सबसे कर रहा हूँ वो सवाल आपसे भी कर रहा हूँ कि आप अपने अंदर वो खूबियाँ पैदा कर लें जिसके पास भी इलाज है। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, मेरा कोई दावा नहीं है, लेकिन लाखों लोगों का इलाज हो, लाख नहीं लाखों का लोगों का मेरे पास इलाज हो चुका। और एक और बात है, हाजी दीन मोहम्मद, जिस तरह के बच्चे, जो क्योंकि माँ बाप के सामने अगर ऐसे बच्चे हों और वो एक सिर्फ तकलीफ नहीं हो, उन्होंने कहा अजियत होती है जब पैरालाइज हो या थोड़े ऐसे प्रॉब्लम हो, थोड़े से अबनॉर्मल जिसे कहते हैं हो जाते हैं, तो उनको ट्रीट करना काफ़ी मुश्किल होता है। माँ बाप को तो एक औलाद है, उनका तो खून होता है, तो उनको तो इस तरह देख के उनको बहुत तकलीफ होती है, तो लेकिन वो कहते हैं हमारे बच्चे इस काबिल हो जाए, अपने आप अपना सामान उठा सकें, खा सकें, तो उनकी तो ये कोशिश होती है। बाकी तो बात की बात है, लेकिन अल्लाह पाक ने ऐसे बच्चों में एक्स्ट्रा एबिलिटी रखी है, और हाजी दीन मोहम्मद अगर ये काम कर रहे हैं, बड़ी बात है सर, अगर आप ऐसे लोगों को ट्रीट कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह को आपको हज़ारों मिल जाएंगे। जी हज़ारों मिल जाएंगे, लेकिन एक बात ये आपसे मैं शेयर कर लूँ, 1% से भी कम लोग, कितना बोला, 1% से कम, कम लोग जो मीडिया में आने को राजी होते हैं। ठीक है, 99% मीडिया पे आने को यूँ राजी नहीं होते कि उनकी भयानक से भयानक बीमारी होती है, ठीक हो चुकी होती है, शफा होती है, वो शादी कर लेते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, रोज़ी रोज़गार करते हैं, लेकिन वो मीडिया पे आने को अपनी तोहिन समझते हैं, ये हमारी इज्जत जा रही, लेकिन इज्जत जाती नहीं, इज्जत आती है। इज्जत क्यों आती है, बल्कि आपको देख के एक मैसेज कन्वे हो रहा है ना, आपको देख के मैसेज पहुंच रहा है, आपका पैगाम आगे पहुंच रहा है, उससे लाखों लोग फैजाब होते हैं, वो लाखों लोग तुम्हें दुआएं दे रहे होते हैं। और बल्कि पता है कितने लोग ना कहते नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, ऐसे ही ट्रीटमेंट फजूल है, ये कुछ, जब ऐसी चीजें जब सामने आती है तो लोगों के अंदर एक बढ़ता है कि वो करें, वो अपना ट्रीटमेंट करवाएं अपने बच्चों। मेरे पास 10 महीने का बच्चा या शायद अब साल को होने वाला होगा। जी जी जी, डॉक्टर ने जवाब उसका दिल जो है ना, मतलब है कि खत्म है, सुराख नहीं खत्म है, उसका वाल जो है डैमेज है, ऑपरेट नहीं कर सकते। ओह माय गॉड। ठीक है, आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल से 2 महीने हो सकता है कि इस पास 5-10 दिन ऊपर नीचे बोलने में गलती हो सकती है, तो वो बच्चा अपनी ज़िंदगी में वापस आ गया, इतने मोटे मोटे पाँव, सूजा हुआ चेहरा, अपनी सब कुछ ठीक। जब आते हैं उनसे पूछते हैं, वो कहते हैं कि माशाल्लाह अभी ये 70% को क्रॉस कर चुका है। एक सवाल, दूसरा सवाल आपसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक शख्स जैसे घर की 55 सीढ़ियाँ हैं, वो भी काफ़ी बड़ी बड़ी हैं, वो भी बनारस में जी जी पहाड़ी पे, उसके बच्चे के दिल में सुराख है, तो वो सुराख के मामले में जगह जगह जितने भी देखे खाने से खा लिए, तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया, तो वो बच्चा सीढ़ियाँ चढ़ना उतना उसके लिए आसान नहीं था। जज़ाकअल्लाह। जी, तो ये जो लोग जिनके पाँव में सूजन हो जाती है या जिनके प्रॉब्लम है चलने फिरने में और वो समझ नहीं पा रहे, और आज कोइंसिडेंट हमारे, फिर वही बात कहूँगी, दीन मोहम्मद साहब ने एक अमेजिंग काम किया, मैं बड़ी हैरान हुई, तो हमारे वो पर्सन है ऑफिस के, तो उन्होंने उनकी जो कमर में शदीद पेन हो रहा था, तो इन्होंने कुछ दम पड़ के किया, तो कहते अरे मैं बिल्कुल आई फील वेरी रिलैक्स। मैंने कहा हाजी साहब आपने आते क्या जादू कर दिया, तो कहते नहीं नहीं वो उनको प्रॉब्लम थी, तो वो मैंने दम किया तो ठीक। इसके बारे में आपको थोड़ी डिटेल देता हूं। हां बताइए क्या कहा, एकदम आपने मैजिक कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, पहले इस बच्चे की बात पूरी कर लूँ, उसके वालदैन लेके आए और उसका इलाज शुरू किया, जहाँ पर उसका बाप नौकरी करता था, उसके मालिक ने बोला कि इसकी मेडिसिन में खर्चा मेरी तरफ से है, इसको दवाई दे दो। 6 महीने बाद वो बच्चा 55 सीढ़ियों पे 10 किलो का वजन का अपना बैग लेके चढ़ता भी उतरता भी जो पहले उसको उठा के लेके सीढ़ियों से
गोद में लेके चढ़ते थे, वो गोद में लेके नीचे उतरते थे। आप एक चीज, दूसरी चीज ये कि जो अभी आपने बात की है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर, मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं। आप कायनात में कहीं भी हैं, आप किसी मजहब से भी हैं, मुसलमान का सवाल नहीं, इंसान का सवाल है। इंसान का सवाल, पहले इंसान दुनिया में आया ना। क्या बोला? मेरी बात आप रिपीट कर दीजिए। हाँ, इंसानियत का और इंसान का सवाल, इंसानियत इंसान का सवाल है। बिल्कुल, आप कायनात में कहीं भी, मेरा कोई दावा नहीं, बड़ा मासूम, दुनिया का आजिज़ तीन आदमी, मेरी कोई हैसियत नहीं। लेकिन जिससे मैं प्यार करता हूँ, उसकी बड़ी हैसियत, उसका नाम है अल्लाह, उसका नाम है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं उनकी मोहब्बत में जी रहा हूँ। आप कहीं भी हैं दुनिया, किसी भी ऐसे भी, आप मुझे फ़ोन करें, बता दें जी मेरी यहाँ तकलीफ है, आप ज़ात पाक नाम बताने की ज़रूरत नहीं। मैं दुआ कर देता हूँ, मुझे आप एक मिनट के बाद जवाब दे। अल्लाह अकबर, क्या बात है भाई। हाजी दीन मोहम्मद साहब क्या कह रहे हैं कि भाई आपको किसी भी जगह पे, वर्ल्ड में आप कहीं पर भी हो, और अगर आपको कोई ऐसी तकलीफ हो रही है, पेन कर रहा है आपका बॉडी, तो आप कॉल करें और सिर्फ मैं दम करूंगा, आपको वहाँ रिलीफ मिल जाएगा विदाउट मेडिसिन। तो ये तो बड़ी अमेजिंग। मुझे आप एक चंद सेकंड बाद जवाब दे दें, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ मुझे घंटे बाद जवाब देना, ये बात ही गलत है। इंशाल्लाह सुबह, इंशाल्लाह मेरा महबूबा को 10 सेकंड में जवाब दे देगा। सुभान अल्लाह, बड़ी बात होती है। ये चीज आपने आज अपनी आंखों से देखी है ना? हाँ, मैं अपनी आंखों से देखी है, तो मैं कुछ कहना नहीं चाहती। ये चीज मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह जो दुनिया आती है, मैं अपने प्रोग्राम में सभी सबको ये कहता हूँ, मेरे जितने टीवी प्रोग्राम हैं, जिस चैनल के भी हैं, आपने कहा कि एक चीज़ देख लो, मैं क्या कहता हूँ, मेरे पास आने वाला मरीज दवाई खा के ना आए, वो आके बोलते हैं हाय बहुत शदीद तकलीफ थी, पेन किलर खाई हुई है, अब बैठा हूँ, वरना मैं मर रहा था। मैं मना करता हूँ कि पेन किलर खा के मत आना, तकलीफी हालत में आना, फिर मुझे अपने रब पे यकीन है, ईमान है, मेरा कोई दावा नहीं, मेरी कोशिश है। अच्छा, लेकिन मेरे पास हंसते मुस्कुराते जाओ। अच्छा, मेरी तरह मुस्कुराते। अस्सलाम वालेकुम मिसेस हैदर। हेलो। अस्सलाम वालेकुम मैडम, मैं आपको कॉल कर रही हूँ, आपका लाइव प्रोग्राम आ रहा है, मुझे इनसे हकीम साहब से ये पता करना है कि मेरी एक तो मेरी बेटी है जी, जो के समझ लें के मेंटली जैसा वो है, ठीक है, मेंटली, और वो बाय बर्थ नहीं है, उसको ना डॉक्टर ने गलत इंजेक्शन लगा दिया था, तो उसकी ब्रेन की ग्रोथ खत्म हो गई। अब वो 38 ईयर्स की है, मगर उसकी जो बातें और उसका अंदाज और वो सब कुछ है, वो ऐसा है 10-11 साल के बच्चों की वाली कैफियत है, हर वक्त गुस्सा और हर वक्त चिड़चिड़ापन, और ये फिजिकली वो फिट है। अच्छा, फिजिकली फिट है। अच्छा, मगर मेंटली वो रिटार्डेड है, तो मुझे उसके सिलसिले में बात करनी थी। अच्छा, अब मेरी प्यारी बहन जो है दीन मोहम्मद साहब, आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। ये अपना ईमान बना लें उस महबूब रब पे जिससे मैं प्यार करता हूँ, आप ही प्यार करती होंगी। आपका कैमरा, बात कीजिए। आप ये अपने यकीन कर लें कि रब ने शिफा देनी, मैंने आपने कोशिश करनी, आप उस बच्ची को लेके मेरे पास आ जाओ, उसका इलाज शुरू करो, देखेंगे उस बच्ची की उम्र ज्यादा हो चुकी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका इलाज नहीं है। सही बात है, इलाज थोड़ा वक्त ज्यादा लग जाएगा। बिल्कुल, 3 से 6 महीने में बच्ची मेंटली तौर पर कितनी रिकवर होती है, ये आप उसकी फिजिकल कंडीशन देखें। तमाम सुनने वालों को मैं एक पैगाम देता हूं। अच्छा, एक मिनट, बहुत शुक्रिया, आप इनको लाइव सुने, बाजी आपका बहुत शुक्रिया आपने कॉल की, थैंक यू सो मच। अब इनकी बात डिटेल में सुने, ठीक है, अब बताइए। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखिए कितनी तकलीफ है, गलत इंजेक्शन, एक डॉक्टर के मिस्टेक से, के वो क्या हुआ, उन्होंने तो वो एक मसीहा समझ के गए हैं उनके पास, और आप लोग अगर मैं बयान करूँ तो आप यहाँ बैठे बैठे रोना शुरू कर देंगे, आपके आंसू बंद नहीं होंगे, आपके आंसू बंद नहीं होंगे, मैं यकीन से कह सकता हूँ। आपके दिल में अगर दर्द है ना, नहीं मैं तो बहुत छोटा नुन्ना मुन्ना सा दिल है, मैं नहीं बर्दाश्त कर पाती। मैं अगर मैं नाम लेके मैं बोलूँ, आप यकीन करें, मैं शादी में जो गई हूँ ना, तो मतलब अपनी फैमिली के साथ, तो उन्होंने वही, मैं जिस बच्ची का जिक्र कर रही हूँ, तो मैं कह रही हूँ मेहंदी है तो इसको क्या चरपाई पे डाल के इसको भी शामिल कर दिया, अभी बुखार था तो शादी नहीं अटेंड करती। वो फिर बाद में पता चला उस बच्ची को जो, वो तो 7 साल पहले उसका गलत जो है ऑपरेट किया, तो आज वो 25-30 साल की हो गई है लड़की, मतलब 25 या 28 कुछ, तो वो बड़ी मेहंदी लगाई, मुझसे बातें की उसने, और मैं लिटरली यू रो रही थी, मैंने कहा अल्लाह मैं समझी तुम्हें बुखार है, मैंने कहा इसको क्या चरपाई पे डाला। एक हॉस्पिटल है,
अच्छा आपने बात करनी है, छोटी सी ब्रेक है अगर आपकी जरूरत हो जी। नाज़रीन आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, हमने अपने बच्चों का, ऐसे बच्चे जो मेंटली या फिजिकली कुछ एबनॉर्मल से लगते हैं आपको और वो काम आपको पता है, हम अक्सर देखें अल्लाह पाक ने उनमें एक एक्स्ट्रा एबिलिटी दी होती है, बड़े शार्प होते हैं, लेकिन हम लोग देखते हैं वो बेचारे कभी मूव इधर कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कभी कहीं बैठ जाते हैं, तो हमने उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आपने कहीं नहीं जाना, लेना छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह में सभी के साथ। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ। जी हाँ, हम आ गए हैं मॉर्निंग शो में और हमारे दरमियान मौजूद हैं हाजी दीन मोहम्मद जी, वेलकम अगेन। और बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही इम्पोर्टेंट गुफ्तगू चल रही है, हमारे कॉलर भी थे वो ड्रॉप हो गई है लेकिन हम कंटिन्यू करेंगे। वो आप बताइए, वो जो लिवर का जो है वो कट लग गया, देखिए डॉक्टर साहब इतनी गलतियाँ कर जाते हैं, आप लोग ऐसा ना करें। डॉक्टर साहब पिछले दौर से निकल के चले गए, नहीं वहाँ उनको तो नहीं पता ही, तो हम लोग ब्रेक में बात अच्छा। कर रहे थे। देखिए मेरे पास एक फैमिली आती है, उसके बच्चे का मेरे पास इलाज हुआ, ठीक है, क्योंकि उसका बच्चा यानी कि जहाँ हल्की सर्दी पड़ती है उसका बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट हो रहा था, यानी उसको दमे की बहुत शदीद ली थी, अकलौता बैठा है। ओके आज वो बच्चा मेरे खास से 3 साल मेरे पास हो चुके हैं, वो कभी अस्पताल नहीं गया, उसका दमे की तकलीफ है ना। कॉलर बात करें फिर इसको कंटिन्यू। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हिना जी कैसी हैं आप, ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाइए। माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम जा रहा है आपका, हकीम साहब को भी मेरा सलाम कहिएगा। ये आप बैठे हुए हैं हरबली साहब, हम उनसे पूछे हकीम साहब से क्या पूछना है। हजरत मेरी सीधी टांग में तकरीबन 3-4 महीने हो गए, बल्कि ज्यादा ही हो गए, तकलीफ है हिप की साइड पे हड्डी पे और वो अर्कनेसा टाइप का दर्द मुझे महसूस होता है। लेकिन इससे बहुत आसान काम है कि आप आके मेरे पास आप दिखा दें, इलाज करवा दें, प्रयास करेंगे, दवाई खाएंगे, कुरान पाक की आते हैं कि मुसलमान के लिए कुरान लाजमी है, मैं इसे भी बता दूं। अच्छा इनको मैं मतलब खुदा हाफिज़ करूं फिर आप इनको बता जी। बहुत शुक्रिया इस्लाम, आपने कॉल किया, अब इनसे हम जो है ना इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से पूछते हैं क्या है। मुसलमान जो भी है उसके लिए कुरान पढ़ना जरूरी है, अगर कुरान नहीं पढ़ा तो उसके लिए बिस्मिल्लाह की तस्बीह जरूरी है। अरे वाह भाई, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, तो मैं तो कहती हूं हर काम बिस्मिल्लाह करके करना चाहिए, हर काम स्टार्ट ही वही है। बिल्कुल सही, हमारा मजहब का स्टार्ट बिस्मिल्लाह से ही है, हर कप रखो उठाओ हर बिस्मिल्लाह, नमाज पढ़ो पहले बिस्मिल्लाह, खाना खाओ पहले बिस्मिल्लाह, आप जो भी काम करो पहले बिस्मिल्लाह, हमारी इत्तेदा इंतेखाब बिस्मिल्लाह ही है। बहुत अच्छी बात, अब जब हम बिस्मिल्लाह से करते हैं तो माला सारा मामला ठीक हो जाता है। मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि मुसलमान के लिए कुरान ज़रूरी है, लेकिन गैर मुस्लिम हमारे पास आते हैं, हमारे पास हर मज़हब आता है, ईसाई आता है, हिंदू आता है, सिख आता है, सभी सब आते हैं, वो क्या देना वो आते हैं, पारसी आते हैं, बिल्कुल, लेकिन सबको शफात कुरान से मिलती है। अल्लाह अकबर, वो आते हैं पढ़ने लेके आते हैं, पढ़ के दे देते हैं, सबको पता है कुरान पढ़ा हुआ, तो उनको बोलते हैं जो आपके मज़हब में पाक होने का तरीका है जिसमें आप अपने आप को पाक करते हैं वो करके, तो इसको बिस्मिल्लाह पढ़ के तो उसको अल्लाह पानी पी लें, वो वही शफा मिलती जो आपको मुझे मिलती है, कि अल्लाह सुबहाना ताला सबका है ना, आपका मेरा कहले का तो नहीं है, बिल्कुल इस पर कोई शक नहीं, मुसलमान का नहीं है। मेरी पता है, मैं इस बात पे कहती हूँ, मैं कहती हूँ देखो अल्लाह पाक बारिश बरसाता है ना, तो वो अपनी मखलूक पे कभी ये नहीं सोचता कि मैं जी मैं जो मेरा मेरा नाम लेते हैं, वो तो खुदा का तो बहुत रहमत है, रब है, उसकी रहमत है, वो सबको नवाजता है, तो हम लोग हैं जो समझते नहीं है इन बातों को। अच्छा उस डॉक्टर ने गलत जो है ट्रीटमेंट की और उन्होंने लिवर का ट्रीटमेंट, इन्होंने जो मुझे बताया, मैं शॉर्ट में बताऊंगी, इनकी जो फैमिली से वो जो आपके पास पेशेंट आते हैं उन्होंने लिवर का जो है वो जो ऑपरेशन किया, तो वो जब क्या हुआ उनसे कट लग गया। अच्छा हमारे दरमियान एक कॉलर है आसिया, अस्सलाम वालेकुम आसिया। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र है जी, हकीम साहब मौजूद है, क्या पूछना चाहेंगे आप जी? मैं अपने अबू का पूछना चाहूंगी हकीम साहब से, अबू जो है मेरे, उनकी तकरीबन 35 साल हो गए, उनके आधे सर में दर्द। जरा प्लीज आप अपना ना टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें वरना लाइन ड्रॉप हो जाएगी मेरी प्यारी बहन जी। और उनको ना बीपी का मसला भी है, तो हकीम साहब से पूछना चाह रही थी, एक बार हमें जगह का पता नहीं है, अगर हमें जगह बता दे तो। अच्छा मैं बता रही हूँ, ठीक है मैं इनको बता, इनके वाले सबको बीपी हाई एंड लो शायद कुछ ऐसा, उनको इनका मसला है, वो दो बोतलें पानी लेके आ जाएं, आके दिखा दें, ठीक है, और जितना काम बताएं इतना काम कर लें, ठीक, इंशाल्लाह अल्लाह शफा देगा, हम कोशिश करेंगे, ये यकीन कर लेंगे वो ठीक हो जाएंगे। क्या सुभान अल्लाह। अच्छा ये भी एक और मैंने देखा है, आपने सही कहा कि हम लोगों का है, जैसे हम लोग कहते हैं बिस्मिल्लाह करके, हम लोग कुछ अपने भी कुछ गलतियाँ करें तो हमें पता नहीं होता। मैं सभी एक छोटा सा काम बता देता हूँ, और ये अल्लाह करे कि मेरी
इस आजाना सी खिदमत से करोड़ों का फायदा हो जाए। बेशक बेशक। क्या बोला? करोड़ों का फायदा, करोड़ों इंसानों का, करोड़ों इंसानों का, सही यही कह सकते हैं, अरबों तो नहीं हो सकते, अरबों को भी हो सकता है। जितने भी लोग जिगर के मरीज हैं जी, जितने लोग ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, ठीक है, जितने भी लोग आंतों के मरीज हैं जिनकी आंतों में सोजश है जी जी जी, उनके लिए एक बेहतरीन रास्ता बताता हूँ। पहले तो आलू, चावल, नींबू, इमली, अचार, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम को गेट से बाहर निकालें और चाय को छोड़ दें। हमारी चाय वापस करें दीन मोहम्मद साहब, आपने वही चाय की पहले बोलते हैं कहवा पी लें जी जी कहवा। ओके, उन लोगों को एक नुस्खा बताता हूँ और ये सदका जारी है। ठीक ठीक। रोजाना हर मरीज के लिए 25 से 50 पत्तियां कड़ी पत्ता लेके थोड़े से आटे। अच्छा, ये आपने बताना है, सुकैना एक कॉलर है, फिर वो ड्रॉप हो जाती है, आप लोगों के लिए कॉल होती है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सुकैना। वालेकुम अस्सलाम, से बात करनी है। जी जी, सुन रहे हैं वकीम साहब, आप बताइए क्या कहना है आपने। जी अस्सलाम वालेकुम वकीम साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। हकीम साहब, मुझे ना 4 साल से मेरी कमर में मसला है, आपको कमर का दर्द पैरों में आ रहा है, पैरों से किस वो ऊपर की तरफ सर्वाइकल की तरफ जा रहा है, मेरे मोहरों का मसला है। आप कहाँ से? मैंने बहुत दवाई की। आपने कहाँ से कॉल की? कराची से। जी जी, कराची। चले ठीक है। आपके लिए आसान है कि आप मेरे पास तशरीफ ले आए, दो बोले फाइन लेके आए, लेकिन एक बात याद रखें, पहले बता चुका हूँ सभी को जी जी कि मेरे पास आने वाला शख्स दवाई खा के नहीं आएगा। अच्छा भाई, आप कोई प्लीज मेडिसिन कोई एंटीबायोटिक नहीं, ब्लड प्रेशर की दवाई खा लें। अच्छा, ब्लड प्रेशर, लेकिन पेन किलर खा के नहीं आएंगे। ओ, सिर्फ मैं एक सवाल कर रहा हूँ, कोई भी नहीं पेन किलर, ये आके ना कहें कि बड़ी शदीद तकलीफ थी मगर अभी पेन किलर खाया वो और अभी तकलीफ नहीं, ये नहीं चाहिए। आप जिस भी कर्म में आप आ रहे हैं उसी कर्म मेरे पास आए, मेरा कोई दावा नहीं, दुनिया का मासूम तरीन आजिज तरीन इंसान हूँ, लेकिन मेरा ईमान रब पे अटल फैसला के मेरे पास से हंसते मुस्कुराते जाएंगे सुभान अल्लाह, इंशाल्लाह सुभान अल्लाह, मेरे रब पे मेरा ईमान है, जिस मजहब का बंदा भी आएगा वो मेरे पास से हंसता मुस्कुराता जाएगा। इंसानियत यही है कि आप जब आपको लोग आपके पास अपनी तकलीफ लेके आते हैं वो कुछ ये सोच के थोड़ी आते कि मेरी जबान ये है, मेरा मजहब ये। अच्छा, कड़ी पत्ते की बात कर रहे थे आप, वो रह जाए उनके लिए कि वो एक थोड़ा सा आटा ले लें, जो भी गूंदा हुआ आटा उसमें वो मिला करके छोटी चपाती बना के और दिन में एक टाइम खा लें। ये कड़ी पत्ते का पाउडर बनाने को कह रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसे ताज़ा ताज़ा ले लें, पाउडर ले लें, कुछ भी ले लें। ताज़ा लेके क्या करना है? उसको एक पेड़ा ले लें, पहले पेड़ा पेड़ा ले लिया, उसके अंदर उसमें डाल के उसे मिक्स कर लें, फिर रोटी बनाए, रोटी बना के खा लें। अच्छा, ये करके देखें। एक कॉलर है हमारे इधर में नीरम में। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम जी, इरम क्या पूछना है आपने? मैम मुझे ये पूछना है, मेरी शादी को 12 साल हो गए। okay. तो मैंने अपनी टेस्ट रिपोर्टें वगैरह करवाई हैं, तो मेरे इसमें FSH लेवल ज्यादा आ रहा है, मतलब 65 आ रहा है, तो हार्मोनल प्रॉब्लम है, तो इसके लिए कुछ बता सकते हैं कि आपके हार्मोनल के लिए कोई दवाई? आपके बच्चे हैं? नहीं मैम, बच्चे नहीं है, मैंने बच्चों के लिए काफी इलाज कराया। कितने साल हो गए आपकी शादी को? कितने साल हो गए? मैम 12 साल। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक आपको औलाद दे जी सर। ये बहुत ही नहीं, इस वक्त बड़ी तकलीफ में होगी बंदी जिसने ये सवाल कर दिया। अल्लाह ने बहुत लोगों दुआ औलादों से नवाजा है, बहुत लोगों से, अल्लाह पाक करे सबको, लेकिन कम लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने ये माना कि अल्लाह की रहमत भी कोई चीज़ है। ये हकीकत है, इसका तो यकीन जिसको बस ये यकीन ही लेके चल रहा है आप, ठीक है ना। इंशाल्लाह ताला रब करम करेगा, मेरा कोई दावा नहीं, बड़ा मासूम सा आदमी, आजाद आदमी, दुनिया का आजाद तरीन आदमी, मेरी कोई औकात नहीं है, बस मेरे लाज रखता है उसका बड़ा। सही बात है, बिल्कुल ठीक। ये खातून मेरे पास तशरीफ लाएँ, आपने अपनी रिपोर्टें लेकर आए हो? रिपोर्ट की, हर मरीज आने वाला रिपोर्ट की फोटो सेट लेकर आएगा। फोटो? फोटो सेट और कापी। ठीक है ठीक है। हाँ भाई, वजह ये शफा रहा देता है, कोशिश में करता हूँ, लेकिन जो मेरे पास डॉक्टर इलाज करवा चुके होते हैं उनसे मेरा जरूर माफी मांगता हूँ। अच्छा, कुछ लोगों को ये होता है कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जैसे रिपोर्ट्स में क्लियर आ रहा है, लेकिन वो फिर भी उनको इलाज नहीं। बड़ी अच्छी बात की, मैं आपको बताता हूँ। जी जी, ये मैं चाहती हूँ, ये बहुत आम बात की आपने। पहली बात आपको ये, आपने ये देखो कि करोड़ों लोग जी जी क्या बोला, करोड़ों कब्रिस्तान जा चुके हैं, मर चुके। सही बात है, वाकई उनकी सभी रिपोर्टें ठीक थी, पर क्यों मरे? आज करोड़ों लोग दुनिया में मौजूद हैं जिनमें सैकड़ों बीमारियां हैं, हजारों बीमारियां हैं,
چل پھر بھی رہے ہیں, شادی کر رہے ہیں, بچے پیدا کر رہے ہیں, کاروبار کر رہے ہیں, حج کر رہے ہیں, عمرے کر رہے ہیں. آپ نے کنٹینیو کرنا ہے. انجم فرام کراچی, ہیلو السلام علیکم. دیکھیں میں آپ کو ویٹ نہیں کرواتی. ہیلو السلام علیکم. ہیلو انجم. جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسی ہیں انجم؟ جی اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں. انجم مجھے آپ سے وہ حکیم صاحب سے کچھ مشورہ کرنا تھا. پوچھیں پوچھیں, آپ حکیم صاحب سن رہے ہیں. ہاں وہ یہ تھا کہ وہ میرے ویری کوز ہو گئی, میرا ویٹ بہت زیادہ ہے ویری کوز, تو ایک دن برسٹ ہو گئی ہے, وہ ایک کھرن سی آ گئی تھی, میں نے چھین دیا تھا تو بہت بلیڈنگ ہوئی ہے. میری پیاری بہن ہم آپ کو آنسر دیتے ہیں. اچھا ہم پہلے وہاں چل رہے تھے, وہ کون سی بات بتائی تھی؟ وہ جو آپ بتا رہے تھے کچھ, وہ خواتین جس کی جن کے بچے نہیں ہوتے, وہاں آپ کو بھی بتا. تو آج بھی کروڑوں لوگ بیماریوں میں چل رہے ہیں, شادی کر رہے ہیں, بچے پیدا کر رہے ہیں. جی اگر وہ سب کچھ ٹھیک تھا تو وہ لوگ مرے کیوں؟ اگر آج وہ سب بیماری تو وہ زندہ کیوں ہیں؟ ٹھیک ہے میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. یہ آپ نے بات کی تھی کہ سب رپورٹیں ٹھیک ہونے کے بعد بچے کیوں نہیں پیدا ہوتے. نظام الہی سمجھنا میرے آپ کی بس کی بات نہیں ہے, وہ نظام الہی ہو دنیا کوئی مشین نہیں سمجھے گی. لیکن کچھ کیا لوگوں کو جیلسی ہوتی ہے؟ اچھا کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر جو ہے وہ پتھر کو بھی پھاڑ رہا ہے. اچھا کچھ لوگ کسی کو حسد مطلب برداشت نہیں ہوتا لوگوں کو. آپ کے لیے میرے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسلام کیوں دیا؟ آپ کے لیے میرے لیے ہم نے قرآن کیوں دیا؟ آپ کے میرے لیے نماز کیوں دی؟ آپ کے میرے لیے قرآن کی آیتیں کیوں نازل کی ہیں؟ کوئی وجہ تو ہے نا. بالکل بالکل, اس میں تمام چیزیں ہیں. بقاعد یہ کہنے کا مقصد ہے کہ وہیں پہ میں آپ کی بات بالکل ایگری کر رہی ہوں. میں یہی کہنا چاہ رہی ہوں کہ کچھ لوگوں کی رپورٹس بھی کلیئر ہیں, ان کو پھر بھی اس کی ڈیٹا تمہیں دے رہا ہوں. میں تفصیل تمہیں دے دیتا ہوں. رپورٹ کلیئر ہے لیکن اس کے اندر کہیں برائی ہو سکتی ہے, کسی نے عمل کیا آپ پہ رکاوٹ کھڑی کر دی, بندش کھڑی کر دی, وہ کسی رپورٹ میں نہیں آتا ہے. ہاں یہ میں آپ کو کہنا چاہ رہی ہوں. ہمیں پتہ لیکن ہم پتہ بھی نہیں, جب آپ میرے پاس آ کے دم کراتے ہیں جی جی تو پتہ چل جاتا ہے آپ کو. نہیں نہیں مجھے نہیں پتہ چلتا, لیکن مجھے یہ پتہ ہوتا ہے کہ میرے اپنے رب پہ میرا ایمان ہوتا ہے کہ اسے ٹھیک ہونا ہے. جادو ہوتا ہے اللہ اسے بھی ختم کرتا ہے, جن تب بھی ہے, جادو ہے تب بھی, ٹھیک ہے اس شفا ملتی ہے, بیماری ہے تب بھی اس شفا سے مل جاتی ہے. اچھا آپ ان کو نام جیسے آپ ماشاء اللہ روحانی علاج بھی کر رہے ہیں نا ساتھ ساتھ, یہ تو اچھا ہے. میں تو کہتی ہوں ہر پرسن کو اپنا علاج تھوڑا روحانی کی طرف لے کے جانا چاہیے, اور وہ ہے کلام الہی. اب فار ایگزامپل آپ کیا پرسن کا نام لے کے اس کو کرتے ہیں, کس طریقے سے پتہ جیسے کوئی آئی لڑکی ہے شازیہ نام کی لڑکی آپ کے پاس آئی ہے تو پھر کیسے کریں؟ میں جواب دیتا ہوں. جی جی میرے لیے کسی نام کی ضرورت نہیں, ٹھیک ہے پھر کیسے, کسی مذہب کی ضرورت نہیں, کسی ذات پاک کی ضرورت نہیں ہے, میرے پاس سامنے سبھی آ گئی. اچھا سامنے نہیں, آپ آئی میرے پاس, آپ نے کہا جی میرا یہ مسئلہ یہ, میں نے آپ پہ دم کرنا ہے پانی سے, قرآن پاک کی آیتیں دے دینی ہیں, بیماری اس کے لیے آپ کو دوائی دے دینی ہے. آپ نے مجھے جواب دینا ہے کہ آپ کو ایک ہفتے کے اندر کیا فرق پڑا ہے, مہینے میں کیا فرق پڑا, دو مہینے میں کیا فرق پڑا, آپ کو یہ چیز سامنے آ جاتی ہے. مجھے آپ کے خاندان کی بھی خبر نہیں ہے, مجھے چاہیے بھی نہیں. آپ کے ماں باپ کی ضرورت نہیں ہے, ان کا نام کی ضرورت نہیں ہے, آپ کے شوہر کی بچوں کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے بولا میرا نام سبھی ہے اور میرا یہ مسئلہ ہے, میری ٹانگ میں تکلیف ہے. آپ میری چھوٹی سی آپ کی بات کر ایک جواب باقی ہے وہ بھی سن. جی 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 مجھے سب یاد ہے. آپ جواب پہلا یہ جواب بہت ضروری تھا میرے لیے, جب ہمارا معاشرہ تباہ حال ہے. جی کیا بولا؟ تباہ حال. ایک عذاب الہی نازل ہے, میرے پاس آتے ہیں, میں تو ٹھیک ٹھاک کلاس لیتا ہوں, میں ذرا لچک نہیں کرتا. نانا ایسے نہ کہہ رہے ہیں. نہیں سن سن لچک نہیں, نہیں نہیں بہت ضروری ہے. اچھا پہلے اس بات کو سمجھو, آپ ڈاٹی ڈاٹی بھی کرنا ہے. نہیں 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 آپ کو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ کفر سے باہر نکلو. ہاں یہ بات بھی صحیح. کیسے کفر سے باہر نکلو؟ آؤ جی مجھ میں جادو کیا ہے. کیسے کیا؟ وہ فلانے کے پاس گئی تھی, گیا تھا, اس نے بولا فلانے نے جادو کیا, فلانے کیا فلانا. جب میں نے کہا کہ آپ نے دیکھا؟ بولا نہیں. یعنی میں کہتا ہوں آپ نے کتنے لوگوں کو جادو کرایا؟ نہیں نہیں میں آپ میری بات پہلے سمجھ لینا. بالکل ٹھیک. کتنے بولا نہیں کرایا. میں نے کہا خوف ہے خدا کر, اپنا ایمان کیوں گندا کرتے ہو؟ آپ نے کون کرائے گا؟ بیماری ہے ٹھیک ہو جائے گی. بالکل ٹھیک. آپ وہ جب علاج کرتے ہیں ٹھیک ہوتے ہیں. ہاں جی فلانے کہا, فلانے کہا, فلانے مولوی نے, فلانے مولوی نے, فلانے مولوی نے کہا, تو ہم تو یقین کر لیے. وہ فلانے عمل کے پاس گئے تھے. پہلے تو آپ آتے بندے کو برین واش کر لیتے ہیں کہ بھائی خدا کے لیے یہ چیز سوچ رہا ہے. آپ اللہ کی طرف آؤ. بہت اچھا بہت اچھا. یہ چیز اور اس بات پہ یقین ہو جائے نا تو خود بخود بندہ ٹھیک ہو جائے. یقین ہو نہیں کرنا چاہیے. اچھا وہ میں چاہ رہی تھی کیونکہ آپ نے جب کہا نا کہ چائے کولڈ ڈرنک یہ سب گھر سے نکال دو, میں وہاں پہ آنا چاہ رہی ہوں. یہ سب چیزیں جب نکال دیں گے تو کیسے کھانا پینا کریں گے؟ کیونکہ آپ کے ساتھ ایک اور بات ہے, کیونکہ ہمارے پروگرام میں ایک جیسے ہیلتھ کی بات ہوتی ہے
तो खाना पीना तो बहुत ज़रूरी है, तो हमारा जो किचन है शेफ यूसुफ जो है कुछ ना कुछ पकाते हैं, उनकी तरफ जाना चाह रहे हैं, तो मैं चाह रही हूँ आप साथ साथ बात करें, मैं साथ साथ यूसुफ करें। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ। वालेकुम अस्सलाम। आज आप शहजादा क्या बना रहे हैं? आज हम बना रहे हैं ग्रिल्ड वेजिटेबल बर्गर बनाएंगे आज आपके लिए स्पेशल। ओह माय गॉड, बर्गर जी। बाजार का बर्गर तो बहुत नुकसानदेह होता है, तुम बर्गर बना रहे हो क्यों? बर्गर बाजार का इसलिए नुकसान होता है, अब ये है कि मैं कुछ कह नहीं सकता। अच्छा, ये सही है, वो उनका अपना हुआ है, लेकिन ये है कि हम शो में जो बना रहे हैं, अच्छा बेसिकली मेरा कॉन्सेप्ट होता है कुछ भी बनाने का, वो ये होता है कि कुछ भी मैं ऐसा कोई आइटम बनाऊं या ऐसी कोई क्रिएशन करूं जो एटलीस्ट हर घर में अवेलेबल हो। बेहतरीन। तो बेसिकली मेरा यही जो है एक वो होता है, तो मैं आज जो बर्गर बना रहा हूँ ये हम लोग ग्रिल्ड वेजिटेबल बर्गर बना रहे हैं हम लोग, तो इसके लिए मेरे पास मौजूद है बन, खीरा हमने काटा हुआ है, कैबेज लीव्स हैं, गाजर है हमारे पास, सॉल्ट पेपर है, अंडा है, टमाटोज है, चीज़ स्लाइस है, और दो हमने इसके साथ सॉसेस बनाए हैं जो कि एक गार्लिक मेयो सॉस है, ठीक है, और ये वाला, और ये वाला जो है चिली गार्लिक कॉकटेल सॉस है। तो इसी के साथ जब हम बनाएंगे इसको, तो ये हमने ग्रिल पैन है हमारा, देन हम इसको थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे। अच्छा, इंग्रेडिएंट्स बताने के बाद में हम इसको कंटिन्यू करें बाद में? अब सिर्फ इंग्रेडिएंट्स बता दो ना। इंग्रेडिएंट्स मैं दोबारा बता देता हूँ, एटलीस्ट ये आपके पास जो इंग्रेडिएंट्स में मौजूद हैं, बन है हमारे पास, ठीक है, चीज़ है, स्लाइस चीज़, टमाटो है, कैरेट है, कैबेज लीव्स हैं, कोकम्बर है, सॉल्ट पेपर है जो हम ड्यूरिंग द ग्रिलिंग जो हम वेजिटेबल करेंगे उसमें हम ऐड करेंगे, एग है हमारे पास, ठीक है, और ये सॉस हमने बनाया हुआ है, ये चिली गार्लिक कॉकटेल सॉस है जिसमें जस्ट हमने मायनीज थोड़ा सा चिली सॉस, ठीक है, ऐड करके उसको मिक्स किया थोड़ी। चले इसे हम कंटिन्यू करेंगे यूसुफ, ठीक है जी, ठीक। और बहुत शुक्रिया, आज पूरा आपके साथ टाइम गुजर गया, पता नहीं चला एक घंटा गुजर गया, और इंशाल्लाह हम इससे बात को कंटिन्यू करेंगे और आपके साथ दोबारा शो करेंगे, ठीक है, आपके आने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद ब्यूटी सेगमेंट ज़ैनी ब्यूटी पार्लर और शेफ यूसुफ के साथ। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग अगेन। आप भी बोलोगे ये क्या हो गया सभी को, लेकिन इतना खूबसूरत जब एनवायरनमेंट हो जाता है तो दिल बाग बाग हो जाता है। जी हाँ, मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूँ सभी, और आज मेरे ब्राइडल कॉन्टेस्ट यानी कि सॉरी ब्राइडल सेगमेंट में एक्सक्लूसिव चीज़ आ रही है, लेकिन उस ब्यूटिशियन को मिलवाने से पहले, वो मेरे प्रोग्राम में वैसे गेस्ट आ चुके हैं लेकिन वो डिफरेंट चीज़ें लेकर आती हैं, और आज हम उनका एक्सक्लूसिव खूबसूरत पैकेज और प्रेजेंटेशन देखेंगे। जी देखते हैं शगुफ्ता बाबर की ज़ैनी ब्यूटी पार्लर की प्रेजेंटेशन। हाँ, कैसा लगा आपको जबरदस्त किस्म की प्रेजेंटेशन? मेरा तो दिल जो है ना, मेरा जो जो इस वक्त देख रहे होंगे उनका भी दिल कर रहा होगा कि जब हम शादी में जाएं तो ज़रूर हम ज़ैनी ब्यूटी पार्लर से ही तैयार हो। तो इस वक्त ज़ैनी ब्यूटी पार्लर जाने की क्या ज़रूरत है, इस वक्त ज़ैनी ब्यूटी पार्लर खुद यहाँ पर मौजूद है, और वो जो पर्सन है वो हमारे दरमियान मौजूद है, शगुफ्ता बाबर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? क्या कसम से हाथों में जादू है आपका, आउटस्टैंडिंग आपकी प्रेजेंटेशन। आज हम स्पेशल गए हैं और ये हमारी जो है हमने पूरी कवरेज की है, और फिर ये हम लोगों ने वीडियो बना के हम लोगों ने प्ले करवाई है, क्योंकि इनका काम मुझे बहुत पसंद है। जब यहाँ से इन्होंने उस दिन ब्राइडल मेकओवर याद है आपने दिखाया था, तो फिर मैंने कहा कि यार शगुफ्ता ये लोग देखना चाहते हैं, और आपके जाने के बाद कितनी कॉल्स आई हैं। जी हाँ,
वो कॉल्स जब आती है ना तो फिर हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो हमने कहा एक काम करते हैं आपका नंबर चलवा के अपनी जो है टेंशन खत्म करते हैं, रिलीज करते हैं। तो ये डिफरेंट क्या जहन में चलता है कि ये आज ये हो आज वो, ये क्या क्रिएशन है? डिफरेंट डिफरेंट चीजें, मेरे लाइनर से तो बहुत ज्यादा डिफरेंट है, सिग्नेचर लाइनर, सिग्नेचर लाइनर स्टाइल से आज कुछ डिफरेंट करूंगी मैं। आज भी क्या लेकर आएंगी? आज मैं कैजुअल है लेकिन एंगेजमेंट टाइप का मेकअप है, हाँ जी, जरा सॉफ्ट टच, सॉफ्ट टच में है ये एंगेजमेंट मेकओवर है। अच्छा गुप्ता, अपना माशाल्लाह तारिक रोड पे जो है मेन, मैं जब गई थी जो लिबर्टी तारिक रोड लिबर्टी चौक है ना, बिल्कुल नियरेस्ट है जूनी जैनी ब्यूटी पार्लर, और इन्होंने जो है वहाँ पर एक अपनी एक न्यू ब्रांच जो है स्टार्ट की है, और उस पर उन्होंने कुछ भाई हमारे नाजरीन को कुछ वो देना कि भाई कुछ पैकेज के ऊपर, हाँ, एक ब्राइडल के ऊपर पार्टी मेकओवर फ्री, पार्टी मेकअप फ्री है। ओके, और पैकेजेस तो हमने बहुत अच्छे रखे हुए, एक मेहंदी फ्री फ्री है, जी जी बिल्कुल, मैं अपने व्यूअर्स के साथ भी आप जो चाहे बोल सकते हैं। अरे वाह, आपके शो पे आए आप तो हम आपके हाथ में आप नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम चाहते हैं कि अगर आप जैनी ब्यूटी पार्लर, इनका नंबर भी चल रहा है, अगर आप इनके पार्लर जाते हैं, इनका ब्राइडल मेकओवर करवाते हैं तो उसके ऊपर एक पार्टी मेकओवर फ्री है, एक हेयर स्टाइल पे एक हेयर स्टाइल फ्री है, यानी कि ब्राइडल हेयर स्टाइल होता है तो अभी जो कॉल करेगा उनके लिए एक ब्राइड फ्री है, एक ब्राइड फ्री है। ओह माय गॉड, ना करो ना करो, मैं मर जाऊंगी। अच्छा जबरदस्त, सबसे पहले जो कॉल आएगी, अच्छा जिसकी शादी है, अच्छा जी सबसे पहले जिसने कॉल की, जिसने भी कॉल की उसके लिए ब्राइडल मेकओवर कॉम्प्लीमेंट्री, इट्स टू मच बिग ऑफर भाई, जबरदस्त। मैं तो सलाम पेश करती हूँ कि आपने इतना बड़ा ऑफर दे दिया, यू नो अबाउट कि एक एक्सपेंसिव रेट था, लेकिन पहली कॉल जिसने भी की उसके लिए फ्री है ये ऑफर। अच्छा शगुफ्ता, ये जब आप अपना माशाल्लाह इतना भी अपने ट्रेनिंग भी की बहुत बड़ी, 10 डेज की इन्होंने जो है फाबा से, आई थिंक उनके बड़ा एक श्रीलंका से नीना मैम आई थी, उन्होंने एक इनको जबरदस्त ट्रेनिंग दी, इंटरनेशनल आपने सर्टिफिकेट भी आपने लिया, और अभी भी ये एक अच्छी खुशाइन बात है कि कोई भी ब्यूटिशियन है उसके सीखने का अमल खत्म नहीं होता, वो हमेशा सीखती रहती है। और शगुफ्ता बाबर डाउन टू अर्थ लेडी हैं, बहुत हम्बल हैं, बहुत नाइस हैं, बहुत काइंड हैं, इनके अंदर सबसे ज़्यादा ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा मैं चाहूँगी कि काम भी साथ साथ हो जाए, हम फिर अपनी कॉम्पिटिशन से भी इंट्रोड्यूस करते हैं, आप वहाँ पे मूव करें और साथ ये काम की बस इनको ज्यादा काम है, बात नहीं करनी है बस इनका, ये एक हमारे दरमियान एक और भी बहुत प्यारी सी ब्यूटिशियन मौजूद है, लेकिन आज वो जो है हेयर स्टाइल करवाना चाहती है, उसके बाद इंशाल्लाह हम उनसे जो है बड़े बड़े काम लेंगे, उनसे अभी कहेंगे एक ब्राइडल मेकओवर दिखाएं। तो इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद है हुमैरा फ्रॉम HS सलून से, अस्सलाम वालेकुम हुमैरा जी। अच्छा जब से आई हूं मुस्कुरा रही हूं, मुझे देख देख के अल्लाह। अच्छा इस मेरा तो शो का नाम क्या है? मुस्कुराती सुबह, तो फिर मुस्कुराना तो ज़रूरी होता है ना। बिल्कुल। अच्छा आपने कहा कि हम सभी हेयर स्टाइल, क्योंकि ख़वातीन में भी बड़ा होता है कि वो हेयर स्टाइल अपना डिफरेंट। एग्जैक्टली, मैंने सभी इसलिए आपसे कहा बिकॉज शगुफ्ता, मैंने जैसे आपने कोर्स मेंशन किया, मेरी मुलाकात शगुफ्ता से फॉर द फर्स्ट टाइम उसी ड्यूरिंग उसी कोर्स के हुई थी। क्या बात है। बिकॉज मेरा जनरली ट्रेनिंग से ताल्लुक है, बिफोर आई स्टार्टेड ऑफ माई सैलून मैं एक ब्रांड के लिए काम करती थी, मेरा ड्रीम जो है फर्स्ट फेज में तो आई स्टार्टेड ऑफ विद माय सैलून, लेकिन मेरा ड्रीम है टू हैव अ ट्रेनिंग एकेडमी बिकॉज मेरा फोर्टे आई वुड से इज ट्रेनिंग्स। तो मैं एक्चुअली बिकॉज कॉर्पोरेट में काम किया है, सो आई वांट टू डू अ हेयर स्टाइल जो कि एवरी डे लड़कियाँ मैनेज कर सकें, स्पेशली फॉर द वर्क प्लेस, जबरदस्त, और वो हैंड्स ऑन खुद कर सकें, लाइक 10 to 15 minutes इज द टाइम जो आप अपने बालों को दे सकते हैं। आई फील सुबह में इतना कम टाइम होता है एंड अच्छा you know, ये बहुत अच्छी बात की कि कम अज कम इतने ड्यूरेशन में अपना हेयर स्टाइल बना लीजिए। इनके अपना लुक भी मुझे बहुत पसंद आया। अब मेरे जो मेकअप आर्टिस्ट आमिर हैं जो मुझे मेक ओवर करते हैं, मेरा हेयर स्टाइल डिफरेंट बनाते रहते हैं, तो मैं कहूँगी एक दिन आमिर जो है इनका जो है ना बिल्कुल बहुत सॉफ्ट सा है, और इन्होंने बहुत प्यारे से हल्के से टच बाल फोल्ड किए हुए और एक लुक दिया हुआ है, ये भी बहुत अच्छा लगता है। हमारे दरमियान एक कॉलर है शहरी, हेलो अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह खैर करे, आज तो भाई एक गई कॉल, आज तो ब्राइडल गया मेकओवर फ्री गया। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? शहरी जी क्या पूछना चाहते हैं आप? सर मैं अभी ये लड़का क्यों बोल, ये लड़के को मेकओवर चाहिए, लड़के को भी बेगम की ऑफर की, तो मैंने बोला पैसे बचा तो मैंने कॉल लग गई, तो मैंने कहा चलो ये अपॉर्चुनिटी अपनी बहन को गिफ्ट कर दूं मैं, अपनी बहन के लिए कॉल की है भाई, जबरदस्त। कितने अच्छे आप भाई हैं जो अपने भाई की बहन के लिए ब्राइडल मेकओवर। जी जैनी क्या कहना चाहती हैं आप? 26 जुलाई को शादी करवा दें।
बिल्कुल मोस्ट वेलकम जी, कह रही है जैनी करी मेरा नंबर चल रहा है आपको इनसे। मैं आपके प्रोग्राम का शुक्रगुजार रहूंगा कि आपके तवज्जो से हमें मेडल मिला, मेरी बहन के लिए गिफ्ट मिला, बहुत शुक्रिया अल्लाह ताला के प्रोग्राम को कामयाब करे और बहुत सक्सेसफुल। थैंक यू सो मच, मुझे इतना अच्छा लगा कि उन्होंने अपनी सिस्टर के लिए, और यू आर अ वेरी लकी, यू आर अ लकी वन कि जो आपने अपनी बहन के लिए गिफ्ट लिया है। और आप जैनी के नंबर भी चल रहे हैं, आप इनसे रब्ता कर लीजिएगा और अपनी बहन को वहाँ पर तैयार करवाइएगा। हमारी बहुत सारी दुआएं आपके सिस्टर, अपना अपना नंबर भी लिखवा देंगे। हाँ, नहीं जब आपका नंबर से वो आपको कॉल कर लेंगे, आपका नंबर चल रहा है ना, इजिएस्ट हो गया तो रहा है, लेकिन अपना भी लिखवा देना कि कोई और ना। अच्छा कोई एग्जैक्टली यही वो बहुत जैनी का दिमाग। अच्छा मेरे दिमाग ब्राइट का नंबर लिख लीजिएगा याद, कोई भी शेरी नाम से कॉल कर दे मुझे। माय गॉड, मैं जिसने किया है कॉल तो उसी का हक होना चाहिए ना। एग्जैक्टली, जिसने कॉल की कॉल कर ले। नहीं, इनका नंबर प्लीज जरा डायरेक्टर साहब प्लीज इनका नंबर ले लीजिएगा और फिर जैनी उनको खुद कॉल कर लेंगी। अच्छा जी, ये ऑफर जो है फिनिश्ड हो गई है, जिसने अचीव नहीं की ना तो ये उसकी बैड लक है। अच्छा, मैं ना हेयर स्टाइल की बात हो रही है और हेयर स्टाइल जो है वो बहुत जरूरी होता है। अच्छा, मैं थोड़ी देर में शेफ के पास भी जाऊंगी। हाँ हुमैरा, क्या बता रही हूँ? बिकॉज एक्चुअली अगर मेकअप है और आपके बाल नहीं बने हुए तो आपका पूरा जो लुक है इट एक्चुअली डजंट शो व्हाट एग्जैक्टली जो आपको करना है। सो बेशक कीप इट सिंपल, लेकिन आई थिंक योर हेयर शुड बी डन प्रॉपरली, विच आई फील इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपकी शक्ल खाली मेकअप वुड नॉट डू एनीथिंग। बेशक आप आयन करें या स्ट्रेट, बट क्विक हेयर स्टाइल्स होने चाहिए ताकि आपको मेकअप पे तो डेफिनेटली टाइम लगता है, आइज बनानी और समथिंग, लेकिन आपका बाल इट शुड बी क्विक ऑल्सो, लाइक बिसाइड्स लंबे हेयर। अच्छा, कुछ लोगों के शॉर्ट, जैसे जाहिर सी बात है जैसे छोटे बाल भी होते हैं लंबे भी होते हैं। अच्छा, छोटे बालों का जो जिनकी जो स्टेप कटिंग होती है, खास तौर पर मैं उनसे बात करना चाहूंगी जिनकी स्टेप कटिंग होती है, उनको फोल्ड करके कुछ बनाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। वो हमेशा अपने ओपनली मतलब खुले बालों को ही मतलब जो है वो हैंडल कर लेती हैं, तो उनके लिए क्या स्टाइल होना चाहिए? वो हर वक्त तो गले में नहीं डाल। एक्चुअली जैसे ये आयन मैंने की है, मैंने या नाजिंग ये कैमरा, आप इनसे बात मॉडल को भी जो करूंगी वो आयन कर्ल्स है और वो लेयर्स में बहुत आसानी से शो होते हैं। और इंस्टेड ऑफ वन लेयर ज्यादातर वो लोग जिनके ओवरऑल लेयर्स हैं उसमें बहुत अच्छे शो होंगे। अच्छा जी, अब हम आ गए हैं शेफ। अस्सलाम वालेकुम, अगेन सलाम बहुत ज़रूरी है। और हम आप मैं शेफ के पास आ गए हैं, और क्या यार यकीन करो, ये तो मुझे अभी ठेले वाले बर्गर बचपन स्कूल सब याद आ जाता है, मैं क्या करूं। बस ये भी मैंने अपने स्कूल लाइफ की बहुत प्यारा सॉन्ग है, मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन, आज बैठे बिठाए आज खड़े खड़े क्यों याद आ गए। और मेरे बिछड़ों को मुझसे मिला दे कोई, मेरा बचपन किसी मोहल्ला दे कोई, कितना प्यारा मैंने सॉन्ग ही गा लिया। बचपन मुझे लौटा दे कोई। और हमारे इधर में नाजिश कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, देखिए मैं किचन में आ गई। अस्सलाम जी, मैंने ब्राइडल मेकअप को डिटेल करने के लिए कॉल किया। अच्छा, क्या पूछना है आपने? सॉरी, क्या सवाल कीजिए, क्या कहना चाह रही हैं आप? जी, मैं ब्राइडल मेकअप करवाना चाह रही हूँ ना इनसे, अपनी सिस्टर का, मेरी सिस्टर की नेक्स्ट मंथ शादी है। अच्छा, शादी है तो इनका जो है नंबर चल रहा है, आप इनका कांटेक्ट कर सकती हैं, सुगुप्ता बाबर। सुगुप्ता, आप कुछ कहना चाह रही हैं, अपने कॉलर से कुछ पूछना चाह रही हैं, कुछ बताना चाह रही हैं, बोले। जी नहीं, अगर इनको फ्री चाहिए तो नेक्स्ट में आप बता दें, जब नेक्स्ट में वेन करूंगी तो फिर दोबारा से एक ब्राइड और है हमारी। अब एक ऑफर बोले, एक ऑफर भी है, जैसे जैसे आऊंगी वैसे से एक वन ब्राइड। लेकिन इन्होंने बड़ी अच्छी ऑफर दी है, वो ये है कि आप, क्योंकि एक जो बड़ी ऑफर थी वो तो एक बहन लेके चली गई, उनके भाई लेके भाग गए, एक ऑफर तो ले गए, अब दूसरा ये इन्होंने ऑफर दिए, आप ब्राइडल मेकओवर करवाएं उस पर उन्होंने पार्टी मेकओवर फ्री दे दिया है। ठीक है, तो आप इनका नंबर चल रहा है, सुगुप्ता बाबर को आप कॉल करें तो मतलब 12 बजे के बाद। नेक्स्ट भी मैं आऊंगी, अब आप फोकस रखें, मेट्रो चैनल मुस्तकिल देखते रहे मैं कब आ रही हूँ और कब मैं फ्री दे रही हूँ। अरे भैया, ये हमने कुछ सीक्रेट रखा है कि मैं कब आ रही हूँ, अब आपको रेगुलर देखना है मेट्रो चैनल। ओके, और मुझे ढूंढना है कि मैं कब मेट्रो चैनल मुस्कुराती सुबह मुस्कुराती सुबह। और तुम भी मुस्कुराते, बहुत प्यारी लगती हो, यकीन। अच्छा, ये हम फीचर बड़े प्यारे इंडियन स्टाइल ग्रिल वेजिटेबल बर्गर जो okay. हमने बर्गर हमने पहले से ही टोस्ट कर लिए थे, ठीक है। गाजर जो है हमारी ये ग्रिल्ड हो रही है। ओके, तो इसी के साथ जो है हम सबसे पहले, और हमने ये दो सॉसेस भी बनाए इसी साथ। नुमान साहब जरा हल्का फुल्का हमारा सॉन्ग तो लगाए, मुस्कुराती सुबह बिल्कुल खामोशी हो गई है हमारे स्टूडियो में। मस्टर्ड की ड्रेसिंग बनाई थी मैंने। ओहो, जबरदस्त, ये आपने माजरीन लगा दिया है, ठीक है। और एक जो हमारी ड्रेसिंग है वो ये वाली। यूसुफ, मैं तुम्हारी वजह से, यकीन करो, किचन में आती हूँ ना जब मुझे सुगैस के आगे आप खड़ा कर देते हो और मेरा मेक ओवर में जो है ना वो मेरी हालत खराब होने शुरू हो जाती है। स्लो कर, स्लो कीजिए, शुक्र है, थैंक यू सो मच। मेरे नाजिर मुझे कॉल करें और बताइए मुझ पर कितना जुल्म करते हैं, मैं यहाँ पर इनके लिए आती हूँ।
लाइए मुझे मुझे दीजिए मैं करूँ लाइए जी गुड अच्छा इसको क्या करना है थोड़े थोड़े टर्न करना इसको ग्रेड ये हो गई है बस इसको टर्न करेंगे मेरा जी आप बनाती हैं खाना वाना घर में या सैलून ही चलाती रहती हैं और ये हमने जो कैबेज के लीव्स हैं ये तो अभी ये काम कर रही है उस दिन ये किचन में आ गई थी शुगुप्ता मेरे साथ ऐसा ही था ना शुगुप्ता अभी तो ये बिजी है ना बेचारी क्या करे अभी ये हमने कैबेज के लीव्स इस तरह लगाने हैं इसमें ओहो हो जबरदस्त अच्छा कैबेज जो है ना ये जो है ना ये बंद गोभी आपके लिए बहुत फायदेमंद है रियली कि बंद गोभी को आप इस्तेमाल क्या करें कैंसर पेशेंट के लिए बेसिकली इसमें सलाद पत्ता लगता है लेकिन मैंने ये सोचा कि मैं कैबेज लगा दूं थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और ये कि वेजिटेबल है वो भी वेजिटेबल लेकिन ये कि इसकी आबादियाँ थोड़ी ज्यादा है आज मुझे अपना बचपन की फिर वो बात याद आ गई मैं बहुत मतलब जब कॉलेज की बात है मैं और मेरी दोस्त बुशरा मेरी बेस्ट फ्रेंड उसके साथ मैं खाया तारिक रोड पर उसको बड़ा मशहूर था एक बर्गर वो एक येलो कलर नील ब्लू कलर की एक वैन टाइप की थी और उसमें एक बर्गर होता था वो कैबेज बारीक बारीक मायोनीज के साथ मिक्स करके वो उस टाइम पर जो है ना फेमस बर्गर था और हम लोग वहाँ जाके तारी रोड पे वो प्लॉट खाली सा था उधर वो सबको जो है ना बहुत ज़बरदस्त किस्म का क्राउड होता था हम दोनों जो है एक बर्गर लेके दोनों खाते थे उस वक्त ऐसा हम पर एक वो होता था कि बड़ा मज़ा आता था कॉलेज से वापसी पर हम लोग वो बर्गर कभी कभी खाने चले जाते थे तो जी हाँ मेकअप ज़रा सा जल्दी हो ये ना फिर हेयर स्टाइल रह जाए ब्रेक का टाइम है से ये जो है ग्रेड हो गई हमारी नहीं नहीं इट्स ओके चिल टेंशन नहीं लो टेंशन लेके काम तो अभी जिस तरह सभी ने एक बात करी कि हमारे स्कूल से रेट था तो एक जो है ना एक कॉलेज का मुझे भी याद आ गया अच्छा याद आ तो गया जब हम लोग जब कॉलेज से हम लीव करते थे तो बेसिकली हम लोग भी एक जगह जाते थे मैं मेरा दोस्त उमेर हसन ये वो नाम है जिनको मैं आप बहुत मिस करता हूँ क्योंकि शादी हो गई इस्लामाबाद चली गई शाजिया हाय शाजिया मैं तुम्हें भी याद करती हूँ और हम लोग एक गैदरिंग होती थी बड़ा मज़ा आता था मेरी बेस्ट फ्रेंड में बुशरा एंड शाजिया लव यू मेरी प्यारी प्यारी दोस्तों हमेशा खुश रहो मेरी एक दोस्त जो बुशरा है वो एक क्राइसिस से भी गुजरी है लेकिन अल्लाह पाक उसे हिम्मत दे जिस तरह अपने बच्चों को लेके चल रही उनके हस्बैंड जो है छोटे छोटे उनके बच्चे हैं उनके लिए क्या उनकी मतलब डेथ हो गई लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी हमारे दरमियान जो है फरजाना कॉलर हेलो अस्सलाम वालेकुम फरजाना गजाला सॉरी गजाला अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम जी कैसी हैं गजाला जी अल्लाह का शुक्र है मैं ब्यूटीशियन से ब्यूटीशियन के लिए कॉल किया मुझे आना है अच्छा ब्यूटीशियन के पास आना है मेकओवर करने के लिए जी मुझे मेकअप के हवाले से मैं मेकअप में दीपिका ने मेकअप कर लेती हूँ मैं इसी हवाले से आना चाह रही थी अच्छा इनका शुगुप्ता बाबर का जो जैनी ब्यूटी पार्लर का नंबर चल रहा है आप इनसे रब्ता कीजिए और आप इनके पास जा सकती हैं मेकओवर करने के लिए या मेकअप सीखने के लिए यार शुगुप्ता तुमने तो धूम मचा दी आते ही यहाँ आज आपने नंबर चलवाया अपना ऑफर दिए तो लोगों ने बहुत तरह से ही आपका जो एग जी अब हम किचन में आ जाते हैं ठीक है एग रेडी हो गया आपका एग जो है आप इसमें इस तरह से पहले चीज ओहो यमी और ये इस तरह से आपने एग लगा देना है ठीक है एग लगाने के बाद ये जो आपकी चीजें हैं वापस आप इसमें पुट कर देंगे जबरदस्त ठीक है और साथ में ये एग जो है ना हमने पहले से ही बना के रखा है ऐड करेंगे अच्छा एक पहले से आपने ठीक है एक आपने मेकिंग इसलिए लोग देख रहे हैं के लिए ताकि देख लें ग्रिल्ड वेजिटेबल बर्गर किस तरह बन रहा है फिर हम वही जो है इस तरह से करेंगे कि एक जो हमारी मस्टर्ड की ड्रेसिंग है जो हमने मस्टर्ड और मेयोनीज मिक्स करके बनाया ये अच्छा इन्होंने दो मेथड को यूज किया है दो मिनट जी बिल्कुल अच्छा दूर रखा करो बहुत ज्यादा एकदम वो स्क्रीन इतनी बड़ी हो जाती है तो वो चीज बहुत ज्यादा जरा सा मतलब ऐसे करके नजर भी आए ना ये लीजिए ये आ गया अब नजर आ जाए नो 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 एक मिनट लाइन जी ये जी अब क्लियर कर दीजिए ओके इस तरह से आपको गुड और दूसरी जो ड्रेसिंग थी ये कॉकटेल सॉस था हमारा स्पाइसी कॉकटेल सॉस हाँ हाँ ओके अच्छा इसी के साथ मैंने एक चीज और भी बनाई है जो मैंने सरप्राइज रखी है नाज़रीन के लिए जल्दी जल्दी क्विकली ब्रेक होने वाली है जल्दी बस ये आपके 2 मिनट और ये साथ में जो है हम इसको इस तरह से प्रेजेंट कर देंगे अब ये प्रेजेंटेशन आप बना देना ना ये प्रेजेंटेशन आपकी रेडी है और वो भी रेडी है जस्ट इसके 2 मिनट्स लगेंगे आप इसे 2 मिनट्स लीजिए ना मैं हम कब मना कर रहे हैं हम और ये आपकी इस तरह से मैंने कॉल स्लो बनाई है ओहो जबरदस्त अच्छा ये कॉल स्लो है कैबेज और गाजर और मेयोनीज थोड़ी सी फ्रेश क्रीम आप ऐड करके ओह माय गॉड ये एक हमारे यहां पर एक टीम में एक बंदा उसे बहुत पसंद है वो ये खत्म हो जाएगी बिस्मिल्लाह गुड है ये आपका जो बर्गर है साथ में आपकी एक छोटी सी एक अच्छी सी गार्निश अरे वाह जबरदस्त आपका जो ग्रिल्ड वेजिटेबल बर्गर है ये रेडी है लाइन जी हमारी चीजें दे दें बस आपसे हमारा कोई थैंक यू यूसुफ थैंक यू सो मच बस अब हमारा इनसे कोई भी ताल्लुक नहीं अच्छा जी नाज़रीन आप लोगों ने कहीं नहीं जाना लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह में
सभी के साथ यमी वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ। जी हाँ, मैं हूँ सभी और जबरदस्त किस्म की जो है हमारे शेफ यूसुफ ने बहुत प्यारी, जरा मैं चाहूंगी बट साहब या दीर साहब जो भी हैं इनको जरा देखिए, जबरदस्त किस्म का बर्गर और जो हम लोग गंदी चीजें खाते हैं ना बाहर से, तो कोशिश करें अवॉइड करें, ठीक है। और ये बर्गर देखें, जबरदस्त किस्म का बर्गर है। और हमारी जो है इस वक्त देखें शगुफ्ता जो है वो जरा सा इस साइड हो, शगुफ्ता आप इस साइड हो जाएं ऐसे, बस बस इट्स ओके, लगाएं आप काम करें, कोई इशू नहीं है। आज हमारे शगुफ्ता ने ज़बरदस्त किस्म का जो है एंगेजमेंट मेकओवर दिखाया है और लिपस्टिक इन्होंने लगा लिए, हो गई लिपस्टिक ओके, ज़बरदस्त किस्म की लिपस्टिक। नहीं नहीं अभी रुक जाए। अच्छा जी नाज़रीन, हमने आपसे बात ये कहनी है कि अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल आपने शगुफ्ता बाबर से रब्ता करना है, उनका नंबर जो चल रहा है और जैनी ब्यूटी पार्लर इनका पार्लर है तारिक रोड पे, अगर आपने इन्होंने एक बहुत अच्छी आते ही ऑफ़र की थी कि जो भी मेरे प्लेटफॉर्म पर मुस्कुराती सुबह मॉर्निंग शो में जो पहली कॉल करेगा उसके लिए ब्राइडल मेकओवर कॉम्प्लीमेंट्री है, तो वो तो एक माशाल्लाह एक आए थे भाई, उन्होंने अपनी बहन के लिए वो ऑफ़र ले ली, एक बड़ी ऑफ़र दी थी इन्होंने शगुफ्ता ने, ठीक है। अब जो है अब हमारे पास इन्होंने एक और ऑफ़र दिए कि कोई भी इनसे रब्ता करेगा अपना, क्योंकि शादियों का सीजन है तो जो भी ब्राइडल मेकओवर करवाएगा उसको कॉम्प्लीमेंट्री उसकी गिफ्ट ये है कि वो अपना पार्टी मेकओवर हेयर स्टाइल और जो है मेहंदी उसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री, ये याद रखिएगा। ये उन्होंने यानी एक काम करने पे एक काम फ्री, ठीक है, ब्राइडल मेकओवर पे पार्टी मेकओवर फ्री, मेहंदी लगाने पे एक मेहंदी फ्री, हेयर स्टाइल पे एक हेयर स्टाइल फ्री, ये है जैनी ब्यूटी पार्लर की ऑफर। जी हाँ, कितना रह गया है जैनी, रेडी गुड, कुछ कहना चाह रही हैं आप, रैमबॉक रेडी हो जाए, चले जी आ जाएं आप और इनके लिए अच्छा सा सॉन्ग लगा दें ताकि ज़रा इनकी प्रेजेंटेशन देखें, इन्होंने एंगेजमेंट मेकओवर, नो डाउट शगुफ्ता जो है बहुत मेहनती ब्यूटिशियन है और इन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया और इनका काम बोलता है, आप इनकी प्रेजेंटेशन जैसे मैंने दिखाई और इनका भी एडाइल आपका मेकओवर और आपका जो ये आपने जो इस वक्त एंगेजमेंट मेकओवर दिखाया बहुत खूबसूरत, हया बहुत प्यारी लग रही हैं आप, हया नाम है, बहुत प्यारी लग माशाल्लाह। अच्छा शगुफ्ता, आगे आपने जाहिर सी बात अभी आपने कहा सभी में बहुत कुछ मॉर्निंग शो देखते रहे और मुस्कुराती सुबह देखते रहे, सभी का शो देखते रहे, आपने इतनी सारी ऑफर्स कर दी हैं तो लोग जरा सा बोले, ये ब्यूटिशियंस की कुछ लोगों की कॉल्स भी आ गई हैं, जितनी बार आऊंगी उतनी बार ब्राइडल फ्री, अरे अच्छा जितनी बार आएंगी उतनी बार मैं कह रही हूं। अच्छा पहली कॉल करी लोग, मेट्रो चैनल को आपकी मुस्कुराती सुबह का रेगुलर वेट करेगा और रेगुलर देखने को शगुफ्ता कब आ रही है, कब आ रही है। अच्छा ये भी सरप्राइज है, इनको किसी दिन में हम इनवाइट कर लेंगे, ये भी बहुत अच्छी बात है। अच्छा शगुफ्ता, अपकमिंग में हमने एक बहुत एक्सक्लूसिव आपके साथ एक बड़ा शो करना है और हम ये पूरी जगह पे सिर्फ जो है जैनी ब्यूटी पार्लर्स की ब्राइड्स होंगी, जस्ट ये पूरा सेटअप हम लोग स्पेशली इनका सेगमेंट होगा और ये सब एक एक्सक्लूसिव होगा, इसमें 8-10 हम ब्राइड्स पेश करेंगे, ऐसा ही है ना, और ये 2 आवर्स का बड़ा सा शो जो है इंशाल्लाह शगुफ्ता के साथ करेंगे जिसमें मेहंदी की भी ब्राइड्स होंगी, एंगेजमेंट होगी, ब्राइडल वलीमा होगा, बारात होगी, पार्टी मेकओवर होगा, फैशन स्टाइल जो है आपने डिफरेंट आपने देखा होगा, मॉडल मेकओवर होगा, तो डिफरेंट ये भी बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ इन्होंने ऐड कर दिया, बहुत कुछ होगा और इसमें 2-3 बच्चियों का भी हम लोग इसमें प्रेजेंटेशन, हेयर स्टाइल, मेकओवर के बच्चियां भी जो जाती है घरारा सूट पहनती है हम लोग उनको भी प्रेजेंट करेंगे, एक बड़ा एक्सक्लूसिव आपके साथ शो करूंगी क्योंकि ये मुझसे कह चुकी है कि सभी एक बड़ा सा जगह आपका जो है माशाल्लाह जी नाजी इनका वीडियो भी चल रहा है तो इनका काम जो है वो प्रेजेंट हो रहा है क्योंकि यहाँ शॉर्ट टाइम होता है तो हमें कुछ चीज़ों को उस हिसाब से कैप्चर नहीं कर पाते जो हमें करना चाहिए क्योंकि एक लाइव शो होता है इसमें कुछ चीज़ें रह भी जाती हैं। अच्छा शगुफ्ता, ब्राइडल मेकअप क्योंकि अब डिफरेंट आपके दो माशाल्लाह सैलून हैं तो एक दूसरी जगह पर भी अब तारिक रोड पे भी आपने ओपनिंग न्यू की है तो आपने अभी जैसे अपने का सेगमेंट्स लेकर आ रही है तो क्रिएशन बढ़ती चली गई है, आपकी क्रिएशन बढ़ती क्योंकि जैसे जैसे लोग हैं अब एक दौड़ लगी हुई है, अब मैंने देखा इन्हें ना आपने हेयर स्टाइल जो है बहुत डिफरेंट बनाया है, अब इसके ऊपर छोटे छोटे इसके ड्रेस के मुताबिक छोटे छोटे फूल लगा दिए, ठीक है ऐसा ही है कि नहीं है, तो ये क्या मतलब ये इट्स मीन कि लोगों की नीड होती है या आपका एक आइडिया होता है कि यहाँ पर ये होता है, कुछ नीड भी होती है कि फ्लावर्स भी बहुत मस्त होते हैं लगाना। अच्छा कुछ लोग बड़े बड़े फूल भी लगा लेते हैं, फ्लावर वो उतने ज्यादा वो अच्छे नहीं लगते, वो ना गुलाब के लगा लेते हैं, अपनी नीड अपनी नहीं पहले चलते थे पहले चलते थे अब जरा सा छोटा छोटा आर्टिफिशियल
ज़्यादा। अच्छा, अब हम चलते हैं अपनी उमैरा की जानिब। अच्छा, उमैरा ने जो है वो हेयर स्टाइल, उमैरा कुछ बात कहना चाहेंगे आप, बताइए क्या कहना चाहेंगे। मैं एक्चुअली जिस एज ग्रुप की मैं बात कर रही थी कि यंग ट्रेंडी कॉलेज यूनिवर्सिटी गोइंग जैसे स्टूडेंट्स होते हैं, उनको अपने बाल खुद करने आने चाहिए। ओके, ठीक। लाइक बिकॉज आपके पास बहुत टाइम नहीं होता जब आपको सुबह ऑफिस के लिए या कहीं तैयार होना होता है, तो आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता। मैं हैंडी जैसे जिस तरह सुबह मैंने अपना खुद किया, एग्जैक्टली इसी तरह मैं ये तरीका बताऊं कि ये वेरी सॉफ्ट आयरन कर्ल्स, एक तो ये लास्ट भी लॉन्ग करते हैं और इनका वन लेंथ बाल है। जैसे आपने मेंशन किया कि जिनके बहुत सारी लेयर्स होती हैं बालों में, वो तो बहुत आसानी से, बल्कि आप अपने बालों को दो हिस्सों में डिवाइड करें और ख़ुद से आयरन कर्ल्स, बिकॉज ये लास्ट भी करते हैं। बहुत सारे टूल्स अब आ गए हैं, लाइक क्रिम्पर्स आ गए हैं जो कि मैं पर्सनली खुद भी यूज़ कर रही हूँ, बट ये है कि लाइक हम कर्ल्स करने के बाद आप इन्हें ट्राई कर ब्रेड कर लें, आप हाई पोनी टेल बना लें, बट मैं इनका छोटा थोड़ा सा टाई कर लूंगी बिकॉज इनका बाल वॉजंट फ्रेशली वॉश्ड और लेयर्स नहीं है। लेकिन ये है कि ये कर्ल्स करने के बाद आप कुछ भी अपने बालों को। अच्छा, आप कहने का मकसद है कि वो बच्चियां जो जरा सी कम एज की होती हैं, और वो जो ऑफ कोर्स उनकी ड्रेसिंग भी देखे बहुत क्यूट सी लग रही है, और स्कूल गोइंग बच्चियां होती हैं, तो जब वो शादी या किसी पार्टी वगैरह में जाती है अपनी मम्मा के साथ, तो उनके ऊपर सॉफ्ट टच हेयर स्टाइल बड़ा प्यारा लगता है, वो अट्रैक्ट। देखिए वो जिस तरह अभी उमैरा जी बना रही है, उमैरा फ्रॉम HS सैलून से है और बहुत जबरदस्त काम कर रही है, और देखिये इन्होंने सॉफ्ट सा जो है वो बालों को जैसे बैक करूंगी, लेकिन बहुत स्लाइट सी कि ये इनके लिए प्रॉब्लम ना हो खोलना, और ये अपने बालों को खुद खोल सके। माशाल्लाह बहुत अच्छे बनाती है हमारा भाई शगुफ्ता बाबर, कह रही हैं आप कैजुअल स्टाइल बहुत प्यारा बनाती हैं। बहुत अच्छी दोस्त हैं, एक्चुअली बहुत अच्छी दोस्त भी हैं भाई हमारी, रिश्तेदारी हो गई, हम निकल जाते हैं सभी, हम सारी ब्यूटिशियन हमारी एक वो फाबा में है, इतना डिफरेंट है, मतलब कि वरना ज्यादा देखा जाए चैनल में भी एक ब्यूटिशियन आई तो आप दूसरी नहीं आ सकते, लेकिन वाहिद आपके चैनल पे, बल्कि मैं जब भी आती, मैं आप मुझसे पूछती, मैं कहती नहीं मोस्ट बुलाएं, मैं उनसे कुछ सीखूंगी, वो मुझसे कुछ सीखेंगी, मैं तो बिल्कुल जेलस नहीं। एक्चुअली आपने देखा हमेशा मेरे साथ दो तीन ब्यूटिशियन होती हैं। अच्छा, ये भी उमैरा ने, ये जो उमैरा जो आई है शगुफ्ता बाबर ने रेकमेंड किया, ये बड़ी बात होती है कि आप भी ब्यूटिशियन हैं लेकिन आप दूसरों को भी इनवाइट। और इन्होंने एक आइडिया मुझे एक और दिया था, उस दिन मैंने रुआना इकबाल को कॉल की थी, भाभी को, तो अल्लाह उनकी तबीयत ठीक करे, उनको जरा तबीयत ठीक नहीं है, तो उन्होंने कहा कि हमारा जो भी क्लास हुई है तो आप वर्कशॉप के तमाम ब्यूटिशियंस को इन्वाइट करें, तो मुझे इनका आइडिया बहुत अच्छा लगा। आपको पता है हमें वहाँ पे देयर वर 17 ब्यूटिशियंस, जिसमें मैं कहूंगी मैं रिलेटिवली बहुत न्यू हूं, मेरे सैलून को एक महीना हुआ है अभी, ठीक है, सो मैं जो है बिकॉज, लेकिन मुझे ऐसे लगा ही नहीं कि मैं किसी, बिकॉज मैं पहले उन सैलून्स को ट्रेन करने जाती थी, ठीक है, और अब मैं उसी प्लेटफॉर्म पे थी, सो मेरे लिए, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग इट वाज लाइक अ फैमिली, मतलब शगुफ्ता से इतनी दोस्ती हो गई थी, और ये हमारी ऐसे थी जैसे हम सब एक तरफ और ये एक तरफ, बिकॉज ये फेवरेट थी हमारी ट्रेनर की। चले आप अपने मुझे आज और बाकी इन लोगों ने मेरा इतना मेरे साथ कोऑपरेट किया ना, मैं खुद कहूंगी भाई हम लोगों ने एक दूसरे से इतना कुछ सीखा है ना, और बहुत ही मजा आया, ये यादें आज सुबह मैं बातें कर रही थी, याद आया इस क्लास में ना, ऐसे लगता है छोटे से बच्चे बन गए हम, तो कहते सारी ब्यूटिशियन लिया करें ऐसी क्लासेस ना, जो ये गैदरिंग वाली क्लास है, वाकई बहुत मजा आया जब हम लोग सब, मतलब ऑफ हो रहा था हमारा, सर्टिफिकेट मिल रहा था, सब एक दूसरे से कह रहे थे यार इतना मिस कर रहे हैं एक दूसरे को, जबरदस्त। दूसरे दिन हम लोगों ने डिनर रखा ना, तो वहाँ बड़ा मजा आया, बहुत ज्यादा सारी ब्यूटिशियन जमा हुई, तो कह यार कितना मिस कर रहे हैं, ऐसे लग रहा है स्कूल, क्योंकि फिर अपने शेड्यूल में बिजी हो जाएंगे ना, मेरे लिए मैं कह रही हूँ ना इट वॉज वेरी न्यू, लेकिन मुझे दूसरे दिन से लग रहा था कि देयर इज समथिंग मिसिंग, लाइक हम एक्चुअली कुछ मिस कर रहे हैं, और मैंने फिर शगुफ्ता को नेक्स्ट डे फोन करके यही कहा, मैंने कहा मैं आपको अपनी, इन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया है कि ये मुझे एक रेप्लिकेट करेंगी, और जिसके लिए मैंने उन्होंने कहा कि ये मुझे उसमें मेरे लिए मेरी हवा निकालनी पड़ेगी इनको, मैंने कहा नहीं नहीं बगैर हवा निकाले मैं तुम्हें वो बनाऊंगी, मेकअप जब करती हूं जो कहते हैं हमें ये बना दो, ये कहती मुझे दीपिका बना दो, मैं बनाऊंगी आपको दीपिका, क्यों नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मेरी पिक देखती ना, मैं अपने आप को कभी माधुरी बना लेती हूँ, कभी आयश बना लेती हूँ, जबरदस्त। अच्छा जी, हो गया उमैरा जी, जबरदस्त। आप इनके लिए भी एक सॉन्ग लगाएं, इनका जरा लुक बच्ची का जरा दिखाएं, आ जाए जी आप गुड़िया, देखा भी नहीं इन्होंने, आया ने कैसी रैम वॉक की है, इसके बाद आपके बाद आया रैम वॉक करेंगे आपके साथ ही, आया एक बार फिर जरा पहले आप सेंटर में आ जाओ, गुड़िया का नाम क्या है, क्या जयश्री, ओके जी जयश्री इस वक्त, अच्छा बैक साइड से जरा सा आप टर्न कीजिए ऐसे, इनके लिए अच्छा पीछे बैक करो, पूरा मेरी तरफ देखो पूरा, ये ओहो आउटसाइड, जरा सा थोड़ी देर ऐसे स्टे करो, आपकी कैप्चरिंग हो रही है, सॉन्ग प्ले किया जाए, और एक छोटा सा वही वाह जबरदस्त आउटस्टैंडिंग
बहुत खूबसूरत। और बैठ जाओ, हाय प्लीज सिट डाउन। शगुफ्ता, आउटस्टैंडिंग आपका काम, और हुमैरा आपका भी बहुत प्यारा। आपने जो बच्चियों के लिए जो स्टाइल गुड़ी, आप जैसे बालों को ऐसे आगे करो ना, तो ये हल्के से जो अपने वेव्स आ रहे हैं ना बच्ची के बालों में, और इस तरह हम लोग अक्सर, मैं तो चाहती हूँ यहाँ पर अभी ना इंशाल्लाह ताला हुमैरा से मैं कहूँगी कि डिफरेंट बच्चियों के जो है ना, जो छोटे मोटे जो बालों का है ना, क्योंकि इनका टिपिकल होता है बहुत ज़्यादा ना, कभी कभी वो जो एज होती है 7, 8, 9, 10, तो इसमें जो बच्चियों को ट्रीट करना बड़ा मुश्किल होता है उनका बालों का। अब इतनी अवेयरनेस, बिकॉज इस एज ग्रुप का ग्रूमिंग क्लासेस के लिए बहुत आती हैं बच्चियाँ, स्पेशली जब समर वेकेशंस होती हैं, तो उनको यू नो लाइक फोकस मेरा ये है कि वो इस एज से अगर अपनी बेसिक क्लेंजिंग, अपनी स्टाइलिंग का ख्याल रखेंगी, तो जनरली यू नो व्हेन दे ग्रो अप, तो वो ऑटोमेटिकली उनके अंदर एक वो होगा, लाइक इतना एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। नहीं नहीं बहुत सॉफ्ट टच है, और हम अपनी बच्चियों को बिल्कुल क्यों नहीं कर सकते, अवेयर कर सकते हैं। बिलावा जब बच्चियाँ ऐसे बालों को ख़राब कर देती हैं, तो हमें उनको ट्रीट करना चाहिए अपने। बाद में पता क्या होता है, बच्चे लापरवाह करते हैं, उल्टे सीधे जो है बालों को ख़राब कर देते हैं, बाद में ये प्रॉब्लम्स हो जाती है। बिकॉज हर वक्त की आइनिंग, हर वक्त आयन जो नहीं, बच्चे नहीं, करते हैं, इट्स नॉट राइट, बिकॉज डायरेक्टली आपको हीट इतनी अच्छी नहीं है फॉर हेयर। ठीक है, और एक और बात बताऊँ, अपने बच्चों के बालों पे ऑयलिंग ज़रूर कीजिए हफ्ते में, चाहे एक बार स्कूलिंग गोइंग बच्चे हों या कॉलेज की लड़कियाँ, अपने बालों को ट्रीट करें। आप अपने बालों के अंदर ऑयल, चाहे वो आप सरसों का लगाएं, कोपरे का लगाएं, जो आपके बालों को सूट करता है। ऑयलिंग बहुत ज़रूरी है, वरना फिर क्या होता है कि बाल जो है वो ख़राब होने शुरू, टूटने शुरू हो जाते हैं, हेयर फॉलिंग शुरू हो जाती है। शगुफ्ता की जानिब चलेंगे। शगुफ्ता बहुत प्यारा, मैंने इसी बार एक बार, क्योंकि हमें एक कॉल आई थी कि इनकी एक प्रेजेंटेशन एक बार फिर हो, अब मैं ये चाहूँगी जो खवातीन आपसे जो ब्यूटिशन सीखना चाहती हैं या कोर्सेज करना चाहती हैं, तो आप उनको भी इनवाइट करती हैं या सिर्फ आप ब्राइडल मेकओवर कर रही हैं? कर रही हूँ, कोर्सेज भी करवा रही हैं, करवा रही हूँ। मॉर्निंग टाइम ही मेरा कोर्सेज का है। ठीक है, लेकिन बहुत कम करवाती हूँ। ठीक है, टाइम इतना नहीं हो रहा होता। ठीक है, मेरे पास बहुत। अच्छा, एक जब आपका कंप्लीट बैच या कुछ सीखने के लिए आना चाहे, तो फिर आप उनको रिकमेंड करती हैं? ऑफ कोर्स, बच्चों को। अच्छा, एक बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कोर्सेज होते हैं, तो आप क्या कहती हैं कि आप मतलब राइट नाउ अगर आप घर फॉर एग्जांपल कम भी अफोर्डेबल जो करना चाहें, उनका भी कर देती हूं मैं। ठीक है, उनका ख्याल हो जाएगा। अच्छा, डिफरेंट आप लोग मतलब ये भी आप पैकअप में हैं कि उनको सिखा सकते हैं। अच्छा नाजीन, आप जिस तरह आपने देखा होगा मुस्कुराती सुबह में ब्यूटिशियंस भी आ रही हैं, ड्रेस डिज़ाइनर्स भी, जैसे कल हमारे साथ एक ब्यूटिशियन भी थे फैसल भवानी, और उनके साथ एक ड्रेस डिज़ाइनर थी पोपी जो बुटीक से थी। और इस तरह अगर आप हमारे शो में आना चाहते हैं, तो हेयर स्टाइल अगर आपको आता है बेस्ट, आप ब्यूटिशियन हैं, ड्रेस डिज़ाइनर हैं, या आपको कुछ भी आप टैलेंट रखती हैं या रखते हैं, या जैसे पेंटिंग है, जो भी आपका आर्ट है, तो हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है, और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट फेसबुक मुस्कुराती सुबह में आप ज्वाइन करें, और हमारा नंबर भी चल रहा है, आप हमें कॉन्टेक्ट करें, तो आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि आप लोग अगर टैलेंटेड हैं, तो आप क्यों ना सबको बताएँ कि आपको देख के लोग कुछ सीखें। और सीखने का अमल, जिस तरह हुमैरा ने कहा, शगुफ्ता ने कहा, शगुफ्ता ने जिस तरह अभी इंटरनेशनल कोर्स भी किया, तो ये कभी भी अमल नहीं रुकता, और सीखते रहना चाहिए, सिखाते। सिखाने से क्या होता है, आपका जो है इल्म जो है वो मज़ीद डेवलप होता है और बढ़ता है। मैं सही कह रही हूँ हुमैरा? सबका जारी है एक्चुअली सिखाना। इनफैक्ट मैं लड़कियों को भी यही कहती हूँ, सैलून पे भी जो नई लड़की आती है उनको शौक होता है सीखने का, और मुझे वैसे भी शौक है। मैंने कहा ना, ये फर्स्ट फेज में सैलून है, इंशाल्लाह मेरा फोटे ही ट्रेनिंग है, एंड मेरा फोकस ये है कि हर लड़की को इतना हुनर दे दो कि वो किसी के आगे कभी हाथ ना फैलाए। बड़ी बात, बहुत अच्छी बात कही, ये तो मैसेज है कि एंड आई फील के व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहां जिस अल्लाह ने यहां तक पहुंचाया है, इंशाल्लाह मुझे पता है कि मेरा उन खवातीन को जो मतलब इट्स मीन जिन्होंने कोर्स किया होता है और डिफरेंट इंस्टीट्यूट से, जैसे कहते हैं मेमन में किया या काका में किया या किसी बड़ी जगह पे किया, वट एवर, बड़े बड़े सैलून से भी किया, लेकिन वो क्या करती हैं, वो इतना एक्सपेंसिव कोर्स करके फिर वो शादी हो जाती है, तो वो नहीं कर पाती। सभी इसके अलावा, बिकॉज मैं जब आई वॉज वेरी न्यू, मैं 8 साल पहले की अगर बात करूँ, तो मैं कोर्सेज के लिए आई वॉज गोइंग टू डिफरेंट प्लेसेज, लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जो कि आपको एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेट, बट मुझे ये होता है कि जहाँ मैं ट्रेनिंग करूँ वो एक ऑथेंटिक ऐसी रिसोर्स हो जो कि हाँ मुझे कुछ सिखाए। तो इसलिए जब मैंने बहुत से लोगों कांटेक्ट किया, लेकिन मुझे एक जगह से किसी ने कहा कि लाइक अच्छा जो मैंने 15 साल में सीखा है वो आपको एक महीने में सिखा दूँ, तो ये ट्रेनर, नाउ दैट आई एम ऑन दैट प्लेटफॉर्म, ये ट्रेनर की सोच हो ही नहीं सकती।
मतलब आई थिंक शगुफ्ता वुड आल्सो अग्री विद मी बिकॉज शगुफ्ता कभी शाय अवे नहीं करती थी, हमेशा शी वुड हेल्प अराउंड एनीवन एंड एवरीवन, कोई भी बुलाए आ जाए वो शगुफ्ता सबके पास चली जाती थी, जो कहता था मैं जल्दी समझ लेती थी ना, अच्छा ना जो समझाती थी ना मैं जल्दी कैच करती थी ना, क्वीन मैं इनका नाम मैंने बोला बिकॉज ये देखें बहुत से अगर ये सोचे कि मैं क्यों बताऊं भाई आप सीखने आई वो आप ट्रेनर नहीं हो सकते, मतलब यू कांट बी ट्रेनर देन, नहीं ये बड़ी हम्बल मैंने ऐसी देखा ना बहुत सॉफ्ट तबीयत की और सदका जारिया है, तो ये तो आप जितना बांटें उतना जो है बढ़ता है, आपका इल्म में उतना ही इजाफा होगा। सभी मेरे जो स्टूडेंट है ना मैं कहती हूँ डायरेक्ट पार्लर खोलते हैं, क्या कहती हूँ डायरेक्ट पार्लर खोलो, ओ नो जॉब कुछ नहीं, मैं अपना मतलब मैं इस तरह का सिखाती हूँ ना, थोड़ा सा अमाउंट ज्यादा है, हाँ लोग कहते हैं आपको थोड़ा अमाउंट ज्यादा, तो मैं कहती हूँ डायरेक्ट पार्लर भी तो खोलते हो आप, मैं डायरेक्ट कहती हूँ पार्लर खोलो, मैं इस तरह की ट्रेनिंग में अपने एल्बम्स खोल खोल के आज ये लाइनर बताऊंगी, आज ये बताती हूँ, ये बताया हर पार्लर कहती हूँ कि जो जो पार्लर का मुझे बताओ तुम्हें कौन सा पार्लर पसंद है, मैं वही लाइनर हकीकत है मैं वही बताती हूँ, बच्चिया मेरी शॉप हो जाती है आपको ये भी आता है, मैं कहती हूँ हाँ मुझे सब पार्लर का आता है, आज इन्होंने वैसे बात की है इतनी वरना ये करती नहीं आपको देखने लगी बोला, लेकिन मैंने कहा देखिए जब आप इतना काम करती है ना तो आपको वोकल भी होना चाहिए, अपने मगन अभी करेंगी, अच्छा आपका बहुत शुक्रिया, टाइम ओवर हो गया, गाना आप लगा दीजिए हम एंड अपने सॉन्ग पे करेंगे, बहुत शुक्रिया बहुत अच्छा गाँव मेरा आपके साथ एक ब्राइडल मेकओवर होगा, डन चलिए जी नाज़रीन अपना बहुत ख्याल रखिएगा, गुफ्ता बाबर बहुत शुक्रिया आपने इतना प्यारा काम किया और हमारे प्रोग्राम में आप आती रहेंगी और सबको जो है वो सिखाती रहेंगी, जी यहाँ सब खड़े हो जाएं, एक प्यारा सा सॉन्ग दोबारा होगा, हमारी हया करेंगी और ये गुड़िया करेंगी।